हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम अपनी मेरे सब्जेक्ट की लास्ट मैराथन होगी, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 6 सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ, मैथ्स और इंग्लिश को छोड़ करके। बाकी सभी मैथ्स और इंग्लिश की क्लास आपकी सर लेते हैं, ठीक है? दोनों रोहित सर मैथ्स की और दूसरे रोहित बालियान सर आपकी इंग्लिश की क्लास लेते हैं, और तो उनकी मैराथन आपकी सर ही कराएंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट मेरे हाथों में थे उनकी लास्ट मैराथन क्लास है, ठीक है? और इसी के साथ दोस्तों, हम इससे पहले 5 सब्जेक्ट्स की मैराथन कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने साइंस, आरंभिक स्तर पर भाषा और शांति शिक्षा और सामाजिक अध्ययन और आपका कौन सा विषय बचता है, हिंदी, इन सभी विषय की हम महामैराथन क्लास ले चुके हैं। यानी एक ही वीडियो में पूरे सब्जेक्ट ये कवर कर चुके हैं। अब ये आपकी 6ठी मैराथन है, जिसने पहली नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो आज हमने जो विषय चुना है या बचता है जो वही चुनेंगे, तो उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आपका पेपर नंबर 2 है, 50 नंबर का पेपर आता है, तो यानी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें आपको, ठीक है? फिर भी मैंने चीज़ों को इस तरह से अरेंज किया है कि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो और बहुत जल्दी से मैं पूरा आपको कवर करा दूँ, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आप उसको जब चाहे रिवाइज कर पाए, जब चाहे उसको फिर से सुन पाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी महामैराथन क्लास की। उससे पहले आप सभी एक बार लिंक को कॉपी करिए और अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। कल की क्लास में बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, आपने फुल सपोर्ट किया, और उसी तरीके से आज भी आप लोग एक बार फिर से अपनी जान दिखाएंगे, अपना जोर दिखाएंगे कि कितना आप लोग शेयर कर सकते हैं गाइस, ठीक है? तो जल्दी से एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स क्लास से जुड़ जाए और खूब अच्छे से सभी पढ़ाई करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैराथन क्लास में शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट आपको सुनाते हैं, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए और लास्ट तक आप पूरी ऊर्जा के साथ बने रहे और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। अलग क्या है सुनिए, इस बार आपका मोटिवेशनल थॉट इंग्लिश में है, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी रिलेट करेंगे और समझेंगे। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। अपनी लाइफ को वेस्ट मत करें किसी भी पर्सन के लिए उसको इम्प्रेस करने में। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इट विल हेल्प यू लाइफ टाइम। वो समय आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए, ये आपको लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगा। जो समय आप वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे को इम्प्रेस करने में, वो टाइम आप खुद को दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, तो बात ही अलग होगी, ठीक है? चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब इस बात से एग्री होंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है आपका शैक्षिक प्रबंधन का, उसका नाम है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, उसका अर्थ, आवश्यकता और महत्व, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, उसका मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो अभी जैसा कि चैप्टर का नाम है संस्थागत नियोजन, तो हमें पता चलना चाहिए कि संस्थागत नियोजन है क्या, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाइस कि संस्थागत नियोजन आखिर होता क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब कोई शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, सफल संचालन के लिए योजनाएं जब बनाती है, तो उन योजनाओं को ही हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। वे योजनाएं ही क्या कहलाती है, संस्थागत नियोजन कहलाती है। क्या समझे आप इससे, कि जब कोई शैक्षिक संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और उद्देश्य क्या होंगे, उस संस्था का विकास करना है ना, सफलता से संचालन करना, जब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो योजना बनाती है, तो उन योजनाओं को ही हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। ऑलराइट, ओके। तो इसका मुख्य अर्थ क्या होता है नियोजन का? नियोजन का मुख्य अर्थ होता है दोस्तों योजना बनाना, प्लानिंग करना,
ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आप अगर मान करके चलिए आपको ऑर्गेनाइज करना है कंपटीशन, ठीक है, कोई खेल का कंपटीशन है, आपको वो ऑर्गेनाइज करना है, तो आप उससे पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। कैसी योजना, कि हम कौन कौन से खेल अपने खिलाने वाले हैं, उसमें कितने बच्चे होंगे, ठीक है, कौन बच्चा किस टीम में होगा, तो ये पूरी प्लानिंग होती है, तभी आप उसका संचालन करते हैं। तो इस तरीके से एक संस्था को चलाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लान्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, योजनाएं बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी जो है एक सफल हो पाएगी कोई भी संस्था, अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है उसमें काम। अब परिभाषा देखते हैं दोस्तों, एक छोटी सी परिभाषा है डॉक्टर बुच के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, संस्थागत नियोजन आवश्यकताओं और उपलब्ध साधनों के आधार पर निर्मित किसी शैक्षिक संस्था के विकास की योजना होती है। इन्होंने क्या कहा कि संस्थागत नियोजन जो है वो हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो योजना होती है वही संस्थागत नियोजन कहलाता है, कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास है हम उनको ही बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर ले, ठीक है, वही क्या होते हैं, हमारा संस्थागत नियोजन कहलाता है। दोस्तों योजनाएं दो प्रकार की होती है, संस्थागत योजनाएं या आप कह सकते हैं संस्थागत नियोजन या योजना दो प्रकार की होती है, पहली है केंद्रीयकृत योजना और दूसरी होती है संस्थागत योजना। योजना दो प्रकार की होती है, केंद्रीयकृत और संस्थागत योजना। केंद्रीयकृत योजना वो होती है जो एक ही आप कह सकते हैं कि जैसे मान करके चलिए कि सभी कॉलेजेस किसके अंडर आते हैं, या ऐसे मान करके चलिए जैसे जैसे CBSE बोर्ड है, ठीक है, और जितने भी स्कूल हैं वो CBSE से एफिलेटेड है, ठीक है, वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो CBSE निर्धारित करता है, यानी जो योजना एक केंद्रीय स्तर पर बना दी गई वही सबको फॉलो करनी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीयकृत योजना कहते हैं, जो एक संस्था के द्वारा बनाई जाए और बाकी उसके नीचे सबॉर्डिनेट जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन पर वो लागू की जाए। लेकिन जो संस्थागत नियोजन होता है ये सब अपने अपनी संस्था के रिसोर्सेज को देखते हुए, उसके साधनों को देखते हुए सब अलग अलग अपनी संस्था में करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर बात करें इन दोनों योजनाओं में से कौन सी योजना अच्छी होगी, तो संस्थागत योजना ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक संस्था की क्या आवश्यकताएं हैं, कितने उसके पास संसाधन हैं, ये वही जान सकता है, ना कि केंद्रीय स्तर पर इस बात की जानकारी होती है, तो जो योजना अपने आप बनाई जाती है वही ज़्यादा क्या होती है, सफल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता है योजना बनाने की। बिना योजना के भी तो काम किया जा सकता है, करते भी है बहुत से लोग, लेकिन उसमें उतने उस हद तक सफल नहीं हो पाते जिस हद तक योजना बनाकर सफल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पेपर में पूछा गया है, हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ें मिस करने वाली थी मैं वो पहले ही कम कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आप कम नहीं कर पाएंगे। तो संस्थागत नियोजन की आवश्यकताएँ क्या है, पहली है दोस्तों संस्था के लक्ष्यों के धारण में सहायता मिलती है। अगर आप योजना बनाएंगे तो आपके क्या लक्ष्य है उसको निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान कर उन्हें दूर करने में भी सहायता मिलेगी। आपके संस्थान के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही है जो आपको आपका लक्ष्य पाने से रोक रही है, उन कठिनाइयों की आप पहचान कर पाएंगे और उन्हें दूर कर पाएंगे। साथ ही समय, धन एवं श्रम, इनकी बचत होती है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और श्रम भी बचेगा। साथ ही इससे छात्रों, अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिका को निश्चित किया जा सकता है, ठीक है, निश्चित किया जा सकता है कि भाई योजना बनाएंगे तो उसके अंतर्गत किसकी क्या भूमिका है ये भी तो निर्धारित करेंगे, अध्यापक की क्या भूमिका है, प्राचार्य की क्या भूमिका है। आगे बात करते हैं, पांचवा, संस्था का विकास करने के लिए भी हम संस्थागत नियोजन करते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। समझ में आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आवश्यकताएं जान ली, अब हम विशेषताएं देखेंगे संस्थागत नियोजन की, क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला है दोस्तों, नियोजन विद्यालय की स्वानुभूत आवश्यकताओं पर निर्भर होता है, यानी जो योजना बनाती है वो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं बनाई जाती है। साथ ही नियोजन उपलब्ध संसाधनों तक सीमित रहता है, जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं
संसाधन से क्या मतलब है कि अगर मान के चलिए कि आपको आपको अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, ठीक है, मान के चलिए, तो आपने योजना बनाई कि मैं कैसे कैसे तैयारी कर सकता हूँ, तो आप वही देखेंगे जितने आपके पास संसाधन उपलब्ध है, आप उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते ही अपनी तैयारी करेंगे। कैसे, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको लेकर के अपने साथ रखें कि भाई इसमें से तैयारी करनी है, फिर आप सोचेंगे इसके अलावा भी और क्या क्या ऑप्शन है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो आप देखें कि ऑनलाइन स्टडी हो सकती है, यूट्यूब की हेल्प से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि नोट्स बने बनाए मिल जाए तो मैं आपको बोलो PDF भी शेयर कर दे, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जितने संसाधन आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके ही आप क्या करेंगे, बहुत अच्छी प्रिपेयर अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से। आगे बात करते हैं नियोजन के सुस्पष्ट एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। बिल्कुल, पहले ही उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं फिर उनको पूरा करने के लिए ही तो योजना बनाई जाती है। नियोजन स्वभाव में लोकतांत्रिक होता है, ठीक है, और अच्छा नियोजन कैसा होता है, लचीला होता है, जब चाहे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको बदलाव कर सकते हैं। नियोजन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और नियोजन की सुधार एवं विकास कार्य दृष्टि होती है। आप इनमें से कोई भी 5 जो आपको आसान लगे वो देख ले लीजिएगा जब आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपको याद है उतना बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लचीला इन द सेंस होता है कि भाई जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आप योजना को बदल सके। नियोजन मतलब योजना बनाना। अब हमने शैक्षिक नियोजन देख लिया या संस्थागत नियोजन देख लिया, अब शैक्षिक प्रबंधन या संस्थागत प्रबंधन क्या है या प्रबंधन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रबंधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रबंधन का क्या अर्थ है, प्रबंधन का अर्थ होता है दोस्तों उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना और उपयोग करते हुए क्या करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, प्रबंधन कहलाएगा कि भाई जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, उपलब्ध संसाधन है जितने हमारे पास, उनका बहुत दक्षतापूर्ण तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से उनका उपयोग करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, प्रबंधन कहलाता है। इसके साथ ही आप इसमें और क्या जानेंगे, शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन कौन कौन से हैं, ये देखिए आप शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन, यानी दोस्तों 3 तरह के संसाधन होते हैं, एक तो मानवीय संसाधन, एक भौतिक संसाधन और तीसरा होता है वित्तीय संसाधन, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इस टॉपिक में आपका 2 ही संसाधन के बारे में जानने को मिलेगा, वो आपका आगे अलग टॉपिक आता है। तो शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन, मानवीय संसाधन कौन कौन से है और भौतिक संसाधन कौन कौन से है, आप देख लीजिए, दोनों से प्रश्न बना है आपका, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप ही बताइए मानव संसाधन या मानवीय संसाधन कौन कौन से होंगे जो जीवित है, यानी जिनमें मानव की बात की जा रही है, जैसे प्रधान अध्यापक, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, कोई भी समुदाय हो गया, ठीक है, और शिक्षक, अभिभावक संघ, ये इनमें से कोई समिति हो जाती है, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति कोई सी है, तो ये सभी कैसे संसाधन है, मानवीय संसाधन है। और बाकी भौतिक संसाधन कौन से होंगे, जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल का मैदान, शौचालय, स्टाफ रूम, लैब, ठीक है, ये सभी क्या है, भौतिक संसाधन होते हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कुशल प्रबंधन किसे कहते हैं, एक नंबर में कभी कभार पूछ लेता है कि कुशल प्रबंधन क्या है, तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। यानी क्या है कुशल प्रबंधन, कुशल प्रबंधन ये है कि कोई भी कार्य जो हमने डिसाइड किया है करना, उसको उससे संबंधित व्यक्तियों की मदद से, सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करना ही, पूरा करना ही कुशल प्रबंधन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान के चलिए कि प्रधान अध्यापक है, उसने कैसे अपने साथी, जितने सहयोगी साथी, यानी आप मान के चलिए कि जितने भी अध्यापक है, उन सभी की सहायता से कुशलतापूर्वक किसी शैक्षिक प्रक्रिया को संपन्न किया, या समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से अपने विद्यालय को आगे बढ़ाया, तो यही क्या है, कुशल प्रबंधन है। अगर किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं है, मनमुटाव नहीं है, ठीक है, सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक कार्य को संपन्न कर रहे हैं, वही क्या होगा, कुशल प्रबंधन होगा।
इसी के साथ दोस्तों प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों प्रबंधन क्या है, सार्वभौमिक होता है। प्रबंधन कैसा है, सार्वभौमिक है, यानी प्रबंधन की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगी, हर जगह किसी भी क्षेत्र में। अगर हमें कोई भी कार्य करना है, उसको बहुत अच्छे ढंग से करना है, तो वहाँ उसके लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। प्रबंधन का अर्थ क्या बताया मैंने अभी आपको, यानी जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। और नियोजन क्या था, उसके लिए योजना बनाना नियोजन था। तो आई होप आपके दिमाग में कोई भी आपस में कन्फ्यूज़न ना हो। प्रबंधन कैसा होता है, बहुआयामी होता है और ये एक समन्वित प्रक्रिया होती है, सब में समन्वय बना करके रखती है, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और मानव जीवन को प्रभावित भी करता है। ये क्या है, प्रबंधन की विशेषताएं आपने देख ली है। अब प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रबंधन के अंदर हमें किस किस का प्रबंधन करना होगा, यानी कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें किसका प्रबंधन करना है, संसाधनों का प्रबंधन करना है। और संसाधन कौन कौन से, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। तो पहली बात तो यही है कि हमें एक तो कौन कौन से क्षेत्र है, क्या क्या स्कोप है मैनेजमेंट का, प्रबंधन का। तो पहला तो ये है, हमें संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। संसाधन तीन तरह के, मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधन। उसके बाद कार्य वितरण तथा निष्पादन, हमें प्रबंधन के अंतर्गत सबको उनका कार्य वितरण करना है और उसे अच्छे ढंग से निष्पादन करना है, मतलब उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। फिर हमें मूल्यांकन भी करना है, ठीक है, कि काम सब अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, ये भी देखना है। फिर शिक्षण प्रबंधन, शिक्षण प्रबंधन में क्या क्या होगा, योजना बनाना, फिर उसकी व्यवस्था करना, फिर उसको अग्रसरण करना, बढ़ाना और देन नियंत्रित करना, ये सभी शैक्षिक प्रबंधन की या ये प्रक्रिया होती है, शैक्षिक प्रबंधन की ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। योजना बनाना, फिर व्यवस्था करना, अग्रसरण करना और नियंत्रण करना। इसके साथ ही दोस्तों प्रबंधन की बहुत ही प्यारी सी छोटी सी परिभाषा दी है मैरी पार्कर ने क्या कहा कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। क्या है प्रबंधन, दूसरों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन होती है, ठीक, ये याद रहेगा आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे आपका यही टॉपिक मतलब शॉर्ट करके बताया गया है यहाँ कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, इन तीनों शब्दों का अगर अलग अलग हम मतलब जाने तो क्या होगा, क्योंकि तीन शब्दों से मिलकर बना है शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन। तो हम इन तीनों का अलग अलग मतलब जानने की कोशिश करते हैं। संस्थागत मतलब किसी भी संगठन या संस्था से संबंधित, ठीक है, संस्थागत का मतलब क्या है, संगठन या संस्था से संबंधित। नियोजन मतलब शुरुआत में ही बताया, चैप्टर की शुरुआत करते ही, योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से किसी काम को करना। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमने जो टॉपिक पढ़ा वह है प्रबंधन। प्रबंधन में मैंने आपको क्या बताया कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी यहाँ सिर्फ जो योजना हमने यहाँ बनाई थी उस योजना को फॉलो करते हुए हमें जितने संसाधन हमारे पास है उनका अधिकतम उपयोग करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, प्रबंधन कहलाएगा। तीनों शब्द बहुत अच्छे से आपके दिमाग में अब क्लियर होंगे, जैसे भी क्वेश्चन बने उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। दोस्तों यहाँ सिर्फ आपको कुछ गिने चुने प्रश्न को रटवाने की मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। मैं ये चाहती हूँ आप टॉपिक को समझें और फिर वहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप उसको अपने शब्दों में लिख पाएं, बस इतना मेरा यहाँ उद्देश्य है। और वही चीज़ मैं समझाने की हर एक क्लास में कोशिश भी करती हूँ कि आप चीज़ों को रटें ना, आप उनको समझें, ताकि पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चन आए आपको आउट ऑफ सिलेबस कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर आप रट के जाएंगे वही मॉडल पेपर, वही तीन चार क्वेश्चन आप रट के जाएंगे तो फिर तो आपको भी आउट ऑफ सिलेबस ही लगने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। और हाँ गाइस, मुझे कल शिकायत मिली है कि कुछ दो तीन लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में और वो सभी को परेशान करते हैं, तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपके सामने कोई भी ऐसा आपको दिखता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं हर वक्त आपके कमेंट देखती रहूँ, ठीक है, फिर मैं कब पढ़ा पाऊँगी, कब आपके लिए आगे की प्लानिंग कर पाऊँगी, कब आपके लिए नोट्स बना पाऊँगी, क्योंकि आपको PDF भी साथ ही चाहिए, ठीक है। तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर कमेंट बॉक्स में कोई भी बदतमीज़ी कर रहा है, एक तो सबसे पहले आपको उसके साथ बातचीत नहीं करनी है, उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करना है। दूसरी बात, अगर कोई बदतमीज़ी करता है तुरंत अपने तरफ से उसको ब्लॉक करिए, ठीक है, मेरी नज़र पड़ेगी मैं उसको तुरंत चैनल से ब्लॉक कर दूंगी, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो यहाँ बदतमीज़ी करे।
पढ़ना है तो आइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल साफ बात है। और मैं आगे से इस बात का ध्यान भी रखूंगी, अगर कोई ऐसे बदतमीजी करता हुआ पाया जाता है या बेवजह कमेंट करता है कमेंट बॉक्स में, तो उसको सीधा ब्लॉक किया जाएगा। बाकी ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि इस तरह की चीज़ों को आप बढ़ावा ना दें, ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है आप खुद भी उनके साथ लगे रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। संस्थागत नियोजन व प्रबंधन में 3 प्रश्नों पर विचार किया जाता है। यानी दोस्तों, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन में, या नियोजन करने से पहले, प्रबंधन करने से पहले हमारे दिमाग में 3 प्रश्न आने चाहिए किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के जो नियोजन या प्रबंधन करने जा रही है। वो क्या? सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ हैं। मान के चलो कोई संस्था है, इसको अपनी प्लानिंग करनी है, कुछ उद्देश्य है उसके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि हम कहाँ हैं, यानी अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मान के चलो आपका एग्ज़ाम है, आपको इसके लिए योजना बनानी है और फिर उस योजना पर काम करते हुए अपना प्रबंधन करना है, सभी जितने रिसोर्सेज हैं उनका, ठीक। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, अपने आप को जांचा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपने फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपके सामने आई, हमें कहाँ पहुँचना है, ठीक है। आपने मान के चला कि मेरी तैयारी अभी यहाँ तक है, लेकिन मुझे इसे यहाँ तक लेके जाना है, यानी मुझे मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक जाना है। फिर तीसरा क्या है, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, यानी हमने जो टारगेट ये सेट किया है यहाँ तक जाने के लिए, जो हमें मेहनत करनी है वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रिसोर्सेज होंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे जो हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो ये आपके ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी एम को पूरा करने के लिए। हम पहले तो ये देखें कि हम कहाँ हैं, उसके बाद कहाँ तक पहुँचना है, क्या गोल अचीव करना है, और फिर वहाँ तक हम कैसे जाएंगे। ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है विद्यालय प्रबंधन, उसका अर्थ, आवश्यकता और महत्व, स्कूल मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस। क्या है विद्यालय प्रबंधन? तो प्रबंधन तो हम जान लिए हैं, अब विद्यालय प्रबंधन क्या होगा, तो चलो विद्यालय प्रबंधन देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित और अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना, ठीक है। क्या कहा इसने कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, कि भाई देखो विद्यालय का भी अपना एक उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, यानी योजना बनाई जाती है, ठीक है, फिर उस पर वर्क किया जाता है, फिर बीच बीच में सबको मोटिवेशन देने की भी ज़रूरत पड़ती है और उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है, नियंत्रित भी करना पड़ता है, तो इन सभी का मिला जुला एक आप कह सकते हैं, इन सभी से आशय विद्यालय प्रबंधन से है। विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, जिनमें कौन कौन शामिल है, नियोजन, समन्वय और अभिप्रेरणा और नियंत्रित करना, ठीक है, बिल्कुल नियंत्रित करना और मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना ही क्या है, विद्यालय प्रबंधन है। अब विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से संसाधन आएंगे, ठीक है, प्रबंधक आएगा, प्रधान अध्यापक भी होगा, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक और भौतिक संसाधन सभी, शिक्षण प्रक्रिया आदि, ये सभी विद्यालय प्रबंधन में निहित होते हैं। कौन कौन विद्यालय प्रबंधन में, किस किस का प्रबंधन किया जाएगा, भाई प्रबंधक भी होगा, उसको भी प्रबंधन करना है, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, इन सभी का प्रबंधन करना होता है, शिक्षण की प्रक्रिया का भी प्रबंधन करना होता है कि कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाएगी, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है और इन सबको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, जो ये अभी ऊपर हमने बताए कुछ पॉइंट्स, इन सबको बनाए रखने के लिए, लगातार इनको प्रयोग में लाने के लिए प्रबंधक की आवश्यकता या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे आपको बताया गया है कि एक प्रभावशाली एवं सफल प्रबंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, यानी अगर कोई इनमें से आपको विशेषता ये वाली मिलती है तो आप कहेंगे कि ये एक प्रभावी क्या है, प्रभावी या सफल विद्यालय का प्रबंधन यहाँ हो रहा है। पहला तो है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। लचीलापन मतलब कि भाई विद्यालय, लचीलापन से मतलब यहाँ यही आप समझिए कि उनकी जो योजनाएँ हैं, ठीक है, और योजनाओं को पूरा करने के लिए जो उन्होंने निर्धारित उद्देश्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया वो अपना रहे हैं,
वो समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार वो चेंज हो सके, ठीक है, बदलाव किया जा सके, उसे उसी को हम लचीलापन कहते हैं, लचीला कहते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन लचीला हो, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो और साथ ही साथ राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्य के अनुरूप ही होना चाहिए और इसके साथ शिक्षा के शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास होना चाहिए। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है, विद्यालय का प्रबंधन करेंगे तो उसकी प्रक्रिया में क्या क्या आएगा, योजना बनाएंगे, ठीक है, फिर संगठन करेंगे, संगठित करेंगे सभी रिसोर्सेज को, कौन जो जो भी हमें प्रयोग में लाने हैं, ठीक है, जितना स्टाफ होगा उसको डायरेक्ट भी करेंगे, निर्देशन भी देंगे, नियुक्तिकरण ज़रूरत पड़ने पर नए अध्यापकों की नियुक्तिकरण या स्टाफ की स्टाफ को लेकर के आएंगे, समन्वय उन सभी के बीच समन्वय बना करके रखेंगे और फिर उनको कंट्रोल भी करेंगे, नियंत्रण भी रखेंगे। तो ये प्रक्रिया होती है विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। देन इसके बाद दोस्तों बताया गया है आपको ओलिवर शेल्डन के अनुसार क्या होता है विद्यालय प्रबंधन। इन्होंने परिभाषा दी है कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है और उसके संचालन करता है और साथ ही नियंत्रित भी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन। ये एक जीवनदायिनी शक्ति है विद्यालय की जो संगठन करने में, संचालित करने में और नियंत्रित करने का काम करती है। आगे बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य है विद्यालय प्रबंधन के। पहला है दोस्तों कि शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति, लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करने के लिए क्या करता है, प्रबंधन किया जाता है। मिलजुल कर रहने की कला सिखाने के लिए प्रबंधन किया जाता है। और क्या उद्देश्य होता है, विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन और संयोजन करने के लिए, विद्यालय में सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाने के लिए, ठीक है, तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रबंधन किया जाता है। आवश्यकता क्या है विद्यालय प्रबंधन की और महत्व क्या है, तो ये भी सुनिए, विद्यालय प्रबंधन की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर ले, ठीक है, इसीलिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है कि भाई जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, विद्यालय के वातावरण को सुधारने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रबंधन की विद्यालय में, या शैक्षिक प्रबंधन की कह सकते हैं, समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का बंटवारा करने के लिए भी आवश्यकता होती है प्रबंधन की। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है सभी को, मज़ा आ रहा है क्लास में, क्लियर है सब कुछ। चलो अब दोस्तों आगे हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। ये तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भाई विद्यालय के संसाधन कौन से होंगे, भाई तीन प्रकार के हैं, भौतिक, मानवीय और वित्तीय। अब इन तीनों प्रकार के संसाधनों का करना है हमको क्या, प्रबंधन। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। चलो तो तीन प्रकार के संसाधनों का भी यहाँ प्रबंधन करना हमको सीखना है, जिनमें पहला है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में मैंने आपको ढेर सारे उदाहरण दिए, वो सब आएंगे, उनके बारे में हमें सबके बारे में पढ़ना होगा। कौन कौन से, विद्यालय का भवन, ठीक है, और साज सज्जा का सामान, उपकरण, पुस्तकालय, खेल का मैदान, और क्या हो सकता है, कक्षा कक्ष, ये सभी जो भौतिक प्रबंधन है, भौतिक संसाधन है, इनके प्रबंधन के बारे में सीखना होगा। साथ ही मानवीय संसाधन में जितने भी संसाधन आएंगे, जैसे प्रधान अध्यापक, अध्यापक हो गया, बच्चे हो गए, समुदाय हो गए, इन सब के संसाधन, इन सब का प्रबंधन करना भी हमें सीखना है। और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, यानी विद्यालय को कहाँ से धनराशि प्राप्त हो रही है, ठीक है, सरकार से हो रही है, समुदाय से हो रही है, उनका भी प्रबंधन करना हमें यहाँ पर सीखना है। आगे दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्यालय प्रबंधन में किस किस की भूमिका होती है। यहाँ देखिए दो बार रिपीट हो चुका है, बहुत अच्छा टॉपिक है, विद्यालय प्रबंधन में किस किस की भूमिका होगी। भाई जितने भी मैंने आपको मानवीय संसाधन बताए, सबकी अपने अपने स्टेज पर या सबकी अपने अपने
लेवल पर ज़रूरत पड़ती है प्रबंधन में। बच्चे भी तो प्रबंधन करते हैं कई बार कक्षा कक्ष में, ठीक है, अभी बताऊंगी आपको, क्लियर हो जाएगा कैसे। सबसे पहले ज़रूरत होती है या सबसे प्रमुख भूमिका होती है प्रधान अध्यापक की, ठीक है। सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है? प्रधान अध्यापक की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्यालय प्रबंधन में किसकी भूमिका सर्वाधिक, किसकी भूमिका होती है, तो अभी मैं आगे बताऊंगी कि भाई प्रधान अध्यापक की भी है, अध्यापक की भी है, बच्चों की भी है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिले कि तीन ऑप्शन में, तो आपको दे दी प्रधान अध्यापक और विद्यार्थी और अध्यापक, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी, तो आप टिक करेंगे उपरोक्त सभी। लेकिन ऑप्शन आपके MCQ में बनता है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि विद्यालय प्रबंधन में सर्वाधिक भूमिका या किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है, और आपको चार ऑप्शन मिले और चारों में ऐसे ऐसे आपको नाम दिए गए हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति की, प्रधान अध्यापक की, किसी समुदाय की, बच्चों की, अध्यापक की, तो तब आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देंगे? प्रधान अध्यापक को प्राथमिकता आप देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन में प्रधान अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय क्या है? एक संस्था है, और किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसमें किसी पदाधिकारी की जरूरत पड़ती है, तो यह पदाधिकारी कौन होता है? विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है। अब विद्यालय के प्रधान अध्यापक की विद्यालय प्रबंधन में जो भूमिका है, सबसे ज़्यादा भूमिका है, तो वो कौन कौन सी भूमिका होती है, चलिए पढ़िए। पहला है शैक्षिक दायित्व, जो शैक्षिक उद्देश्य रखे गए हैं किसी भी संस्था के, विद्यालय के, उनको पूरा करने का दायित्व, ठीक है, तो शैक्षिक दायित्व। दूसरा है प्रशासनिक दायित्व। प्रशासनिक दायित्व से मतलब है कि भाई जो भी कार्य हो रहा है विद्यालय में उसका सही से संचालन करना। तीसरा है आर्थिक दायित्व, भाई सारी ज़रूरतों की, आप कह सकते हैं कि जितनी भी ज़रूरतें हैं एक विद्यालय के प्रबंधन में, उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसमें जितनी भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है उसको पूरा करने का दायित्व भी किसका है? प्रधान अध्यापक का है। समुदाय सहयोग संबंधी कार्य, जितने भी विद्यालय प्रबंधन संबंधी समितियां होती है, ठीक है, उनसे सहयोग बना करके रखना और उनसे संबंधित कार्य जितने भी है वो सभी पूरे करना भी प्रधान अध्यापक की भूमिका उसमें होती है। आगे बात करेंगे हम शिक्षकों की भूमिका जानेंगे। प्रधान अध्यापक की जान ली, अब शिक्षकों की भूमिका देखो। शिक्षक प्रधान अध्यापक का सहयोगी होता है, क्या होता है? सहयोगी के रूप में कार्य करता है। प्रधान अध्यापक के निर्देशन में शिक्षक कार्य करेगा, और प्रधान अध्यापक की सफलता एवं आदर्श विद्यालय की कोटि में विद्यालय को पहुंचाने के लिए शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि मान के चलो अब प्रधान अध्यापक पूरी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निर्वाहन कर रहा है, लेकिन जो शिक्षक है प्रधान अध्यापक का सहयोगी है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या जो प्रधान अध्यापक ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं अपने विद्यालय के लिए, तो क्या उनकी वो पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, ठीक है। जब सब एक साथ मिलकर के अच्छे से कार्य करेंगे तभी सारे उद्देश्य बहुत बढ़िया तरीके से पूरे हो सकते हैं। शिक्षक का दायित्व इस प्रकार होगा, शिक्षकों का दायित्व इस प्रकार होगा, कैसे कैसे क्या क्या दायित्व है शिक्षक के। सबसे पहले शिक्षक का मतलब समझो आप। शिक्षक दोस्तों संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी शिक्षक खुद भी सीखता रहता है और सिखाता भी है। अगर कोई आपको कहे कि शिक्षक जो है खुद नहीं सीखता, केवल सिखाने का काम करता है, तो बिल्कुल गलत है, वो फिर शिक्षक नहीं है, ठीक है। क्योंकि शिक्षक भी बच्चों से बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है, नई बातें सीखता है, और कई बार किसी टॉपिक को कई बार बच्चों से भी सीखता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शिक्षक का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। इसके बाद शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका है यहाँ पर कि विद्यार्थियों के विकास में रुचि ले शिक्षक, उनकी जो उनके सामने कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करे, ठीक है, अपने उद्देश्यों का निर्वाहन सही ढंग से करे, जो भी उसके उद्देश्य है पढ़ाने का तो अच्छे ढंग से पढ़ाए। अध्यापक और कैसा होना चाहिए? शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, चरित्रवान हो। अध्यापक में सहनशीलता और संवेगिक स्थिरता भी होनी चाहिए। अध्यापक में कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए, और बच्चों की जितनी भी आप कह सकते हैं कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमेशा एक शिक्षक को तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद हमने प्रधान अध्यापक की भूमिका देख ली, शिक्षकों की भूमिका देख ली, अब बच्चों की भूमिका देखते हैं, बच्चे कैसे विद्यालय के प्रबंधन में अपना सहयोग देते हैं, ठीक है। तो पहला है कक्षा में
शिक्षक की सहायता करके, ठीक है, कक्षा में शिक्षक की सहायता करके बच्चे विद्यालय प्रबंधन में अपना सहयोग दे सकते हैं। कक्षा की बैठक व्यवस्था में सहयोग करके, बैठक व्यवस्था में कैसे सहयोग करेंगे बच्चे कि भाई जहाँ उनको बिठाया गया है, जिस ढंग से उनकी कक्षाओं में जितने भी फर्नीचर है उसको रखा गया है, उसको इधर उधर ना फैलाए, शांति से बैठे, ठीक है। तो बैठक व्यवस्था में सहयोग करके, साथ ही विद्यालय की साफ़ सफाई साज सज्जा में अपनी सहायता दे करके और पाठ्य वस्तु को सीखने का प्रयास करें, उसको सीख कर भी सहयोग करेंगे विद्यालय प्रबंधन में। और विद्यालय में समय से उपस्थित रहकर ज्ञान अर्जन करना, इस तरह से भी वे बालक जो है, विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है, वो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित कुछ समितियां होती है जिनमें ग्राम शिक्षा समिति आती है। तो ग्राम शिक्षा समिति की क्या भूमिका है विद्यालय के प्रबंधन में, वो क्या करेगी, उसका क्या रोल है? तो देखिए, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ग्राम शिक्षा समिति जो है उसकी भूमिका होती है कि विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर अधिक से अधिक नामांकन कराना, सब बच्चों के एडमिशन करवाना, फिर ठहराव सुनिश्चित करना कि रोज़ रेगुलर बच्चे स्कूल में आए, विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन जुटाने का काम करेगी, भवन निर्माण एवं मरम्मत कराना और वित्तीय संसाधनों को जुटाना और उनका सदुपयोग करना, विकलांग बालक बालिकाओं को, अपवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन भी करवाना, ये सभी भूमिका होती है किसकी, यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति की। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका एक अलग तरह से थोड़ा सा प्रश्न बना जिसमें पूछा गया कि भाई मानवीय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है मानवीय संसाधनों की, या मानवीय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों प्रबंधित किया जाता है मानवों को। चलो, प्रबंधन का मतलब उनको क्यों मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मानवीय प्रबंधन भी धन के प्रबंधन का दूसरा नाम होते हैं। यदि मानवीय शक्ति, उनकी योग्यता का व्यक्ति उचित प्रकार से प्रबंधन कर लेता है, ठीक है, उनकी शक्ति का, योग्यता का अगर उचित प्रकार से प्रबंधन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, धन का व्यय कम हो जाएगा, ठीक है। धन, इसका मतलब ये है कि जब धन का व्यय कम होगा तो उससे हम कई और प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, समय का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे मानवीय प्रबंधन करते समय, तो देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है दोस्तों, अपना दायित्व स्वीकार करना। मानवीय प्रबंधन करते समय हमें ध्यान रखना है किन किन बातों का, तो सबसे पहला है अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना, जिसको जो उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है, शिक्षक को जो उत्तरदायित्व मिला है वो अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करे, और साथ ही मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से पूर्व प्रत्येक सदस्य की योग्यता को चिन्हित करना चाहिए, जितना योग्य व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए, साथ ही योग्यता का आकलन करने के बाद उसका प्रबंधन करना चाहिए, और कार्य का बंटवारा जो है वो संतुलित रूप से करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी एक अध्यापक पर अगर वो हट्टा खट्टा है, मोटा तगड़ा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम डाल दिया, बाकी ऊपर कम नहीं, बराबर होना चाहिए काम का बंटवारा, ठीक है। अब मानवीय प्रबंधन की आवश्यकता के उद्देश्य क्यों है, क्यों किया जाता है मानवीय प्रबंधन, तो भाई सबसे पहला तो यही है कि शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य तो यही है। साथ ही अगर कोई प्रतियोगिताएं आयोजित होती है तो किसी प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए, तब वहाँ मानवीय प्रबंधन करने का उद्देश्य होता है। जागरूकता रैली, नाटक आदि के लिए क्रियाकलापों का आयोजन करने में, तो ये सभी मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य थे। आगे हम जानेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में और विद्यालय प्रबंधन से संबंधित कौन कौन सी समितियाँ हैं जिनके बारे में हमें जानना है और जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए जाने। विद्यालय प्रबंधन समिति ही विद्यालय के प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रबंधन समितियों के सहयोग से विद्यालय की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाई जा सकती है, क्योंकि प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के समन्वय स्थापित करने की ही एक प्रक्रिया होती है। अब कौन कौन सी ऐसी समिति है जो विद्यालय प्रबंधन करेगी, जिनमें पहला नाम है ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति में और कौन आएगी, शिक्षक अभिभावक समिति, इसके अंडर ही आती है मात्र शिक्षक समिति। अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में ही, ठीक है। दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका अध्यक्ष होता है एक अभिभावक सदस्य,
विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है अभिभावक सदस्य। पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, ऑप्शनल में मिलेगा आपको अभिभावक सदस्य, प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक सदस्य होगा। कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 15 कुल सदस्य होते हैं जिनमें 11 तो अभिभावक ही होंगे और 4 सदस्य होते हैं नामित सदस्य, यानी जो फिक्स रहते हैं, जैसे उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक और वहाँ का लेखपाल, मिडवाहफ जिनको बोलते हैं ANM दीदी, ठीक है, वो जो गर्भवती माता उनके बच्चे का ख्याल रखती है, ठीक है, और प्रधान द्वारा नामित कोई एक सदस्य। तो इस तरह से कुल 15 सदस्य होते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में। विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है, ठीक है, कितना 50% इनमें महिलाएं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, कार्यकाल आपसे नहीं पूछा जाता। आगे बढ़े तो विद्यालय प्रबंधन समिति क्या क्या कार्य करेगी, तो सबसे पहले तो यह है, यही है कि इसका काम होता है जागरूकता फैलाना। जो राइट टू इन्फॉर्म, जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इसके बारे में जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना कि आपके बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए फ्री एजुकेशन दी जा रही है, तो आप बच्चों का एडमिशन कराएं। साथ ही जो विकलांग बच्चे हैं उनका भी नामांकन कराना। विद्यालय विकास की योजना बनाने का काम करेंगी। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको फिर से विद्यालय में लेकर के आना, मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगी। मुख्य धारा का मतलब फिर से उनको सभी बच्चों के साथ बैठा करके आगे की शिक्षा दी जाए। विद्यालय में निर्माण संबंधी तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करने का काम भी यही समिति करेगी, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरी समिति के बारे में बात करेंगे, विलेज एजुकेशन कमेटी VEC, या इसको हम कहेंगे ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है, स्थापना है, वो एक अधिनियम के तहत हुई। कौन से अधिनियम के तहत, तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत क्या होती है, प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की जाती है। अब ये ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना तो कर दी, लेकिन इसके क्या कार्य होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, वो भी तो जानना चाहिए। तो ग्राम शिक्षा समिति ग्राम स्तर पर गठित एक छोटी सी संगठनात्मक इकाई होती है और जो मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के प्रति समर्पित होती है। अब प्राथमिक शिक्षा के प्रति समर्पित होगी तो क्या काम करेगी, ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य ही प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना होता है, यूनिवर्सलाइजेशन करना होता है, ठीक है। और आगे भी आपको इसके काम देखने को मिलेंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे करेगी इसका यूनिवर्सलाइजेशन। तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल 15 या 21 सदस्य होते हैं, कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं आपको 21 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ग्राम शिक्षा समिति में 15 या 21 सदस्य होते हैं जिनमें एक महिला का होना आवश्यक है, ठीक है, एक महिला का होना अनिवार्य है। और इसका सचिव होता है विद्यालय का प्रधान अध्यापक, ये आपको याद रखना है, सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव, प्रधान अध्यापक और अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। कौन होगा, ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। उद्देश्य क्या है इस समिति के, ग्राम शिक्षा समिति के, तो जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना, नियंत्रण करना, उसके लिए योजना प्रारूप तैयार करना, ये है प्रमुख उद्देश्य। फिर साथ ही भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना, ये काम करेगी कौन, ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो संघ है जिसके बारे में हम जानेंगे, वह है आपका शिक्षक अभिभावक संघ। शिक्षक अभिभावक संघ या PTA बोल लीजिए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब शिक्षक अभिभावक संघ, नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें शिक्षक भी होंगे, अभिभावक भी होंगे, उनको मिला करके एक संघ बनाया गया है। अब ये क्या क्या काम करेगा, तो ये देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक बच्चे के जीवन में उनके अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, बिल्कुल। तो ये संघ इसलिए बनाया जाता है ताकि अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके, उन्हें बताए कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है उनके बच्चों के लिए, ताकि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजे,
इसलिए यहाँ ज़रूरत होती है शिक्षक अभिभावक संघ बनाने की। समय समय पर यहाँ बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई, उसके स्तर, उपलब्धि स्तर, अधिगम स्तर के बारे में जान सके। तो ये होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, या फिर इसको आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग बोलते हैं ना, कभी कभी आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता होगा कॉलेज में, स्कूल में, तो वही है ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन कनेक्ट करने का काम करता है पेरेंट्स को टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहला तो यही है कि अभिभावकों को भी बच्चों की स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना, उनको पता रहे कि भाई क्या चल रहा है समाज में, उसका बच्चा कितना आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसको वे संसाधन भी प्रोवाइड कराएं, अपने आप भी शिक्षा का महत्व समझे, अपने बच्चे को भी सिखाएं। ठीक है, अभिभावक को स्कूलों की कार्यवाही से अवगत कराना कि हम आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। अभिभावक की विद्यालय में भागीदारी सुनिश्चित करना, अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें, ये सभी उद्देश्य होते हैं इस संघ को बनाने के। समझ में आया ना सबको बहुत अच्छे तरीके से? बिल्कुल गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी आगे भी इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मदद हम करते रहेंगे। और साथ ही साथ जितने भी साथी अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके भी दोस्त, आपके भी संगी साथी क्लास से जुड़ पाएँ और इन सभी टॉपिक्स को समझ पाए और अच्छा स्कोर कर पाए। तो उम्मीद है आप लोग करेंगे शेयर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अध्याय नंबर 4 शुरू हो गया है, हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं बहुत तेज़ी के साथ। अब आपका जो चैप्टर आएगा वो आएगा भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं मैंने आपको अभी बताया, अब यहाँ देख करके बताओ इन्हें भौतिक संसाधन क्या है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं तो ये विद्यालय भवन, ये बस, ठीक है, ये ग्राउंड, ये साइकिल, ठीक है, और क्या बाकी ये जो चीज़ें इन्होंने हाथों में पकड़ी हुई है, इक्विपमेंट्स, ये सभी क्या है, यहाँ के भौतिक संसाधन हैं। ठीक है, विद्यालय के अंदर क्या क्या होगा और लाइब्रेरी होगी, कक्षा कक्ष होंगे, इन सभी का प्रबंधन करना एक एक करके हम अब सीखेंगे। ठीक है, आप एक दो के बारे में ध्यान से सुन लेंगे तो आप बाकियों के बारे में, जिनके बारे में नहीं भी पढ़ा होगा, उनका प्रबंधन करने को अगर पूछ लिया जाए तो भी आप बता पाएंगे। तो भौतिक संसाधनों का प्रबंधन हमें सीखना है। अब दोस्तों, विद्यालय में भौतिक संसाधन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका। तो मैंने बताया भाई, विद्यालय के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होंगी, वहाँ का भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलने का मैदान, फर्नीचर, उपकरण, स्वच्छता के लिए जो भी सामान है वहाँ, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, ये सभी क्या है, ये सभी जो है विद्यालय के भौतिक संसाधन है। कैसे संसाधन है? भौतिक संसाधन ही तो है, तो इन्हीं संसाधनों का प्रबंधन हमें सीखना है। पेपर में पूछा गया था कि विद्यालय से संबंधित भौतिक संसाधनों के अंग का सूक्ष्म वर्णन करें। अब सूक्ष्म वर्णन करें, आप सोचेंगे पता नहीं क्या करना है, तो यही लिखना था भाई उसमें कौन कौन से संसाधन है विद्यालय के, कौन कौन से भौतिक संसाधन हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पर अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा विद्यालय का जो भौतिक संसाधन है जिसका नाम है विद्यालय भवन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यालय भवन का प्रबंधन करना सीखेंगे कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों, विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन, बिजली पानी की व्यवस्था बहुत आसानी से उपलब्ध हो और छात्रों को वहाँ आने में कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, पहली ज़रूरी बात। दूसरा, अच्छे विद्यालय भवन की कौन कौन सी आवश्यकताएं होंगी, विशेषताएं होंगी, ये आपको समझना है। एक अच्छा विद्यालय भवन किसे कहेंगे? जहाँ जिस विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान हो, ठीक है, घिचपिच ना हो पूरी, अच्छे से पूरा खेलने के लिए भी जगह होनी चाहिए उसमें, ठीक है, कक्षा कक्ष के लिए बरामदा भी हो वहाँ पर, ठीक है, बच्चों के बैठने के लिए, खेलने के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हो, रसोई हो और वॉशरूम्स की व्यवस्था हो, वैज्ञानिक ढंग से उसकी बनावट हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, सभी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, ये कुछ नया है यहाँ पर जो मैं अभी बताने वाली हूँ।
जो आपको पहले नहीं बताया। वैज्ञानिक ढंग से बनावट का मतलब यहाँ ये है कि उनकी आकृतियाँ कुछ निश्चित की जाती है, जिनमें दो प्रकार की योजना की आप कह सकते हैं कि दो प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत कुछ आकृतियाँ बनती है, या जिनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं उन आकृतियों को अगर बात करें। एक तो रुको, इसको बहुत अच्छे से ही मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई, ठीक है। तो उनकी विद्यालय की आकृति की हम बात कर रहे हैं, किसकी आकृति की, कैसी कैसी हो। तो एक तो होती है खुली योजना, खुली योजना, और दूसरी होती है बंद योजना, बंद योजना। खुली योजना के अंतर्गत विद्यालय की कैसी कैसी आकृति वाले आप कहेंगे विद्यालय भवन होंगे, तो इसमें जैसे आप मान करके चलिए कि एच टाइप के, एच ई एल टी आई और वाई, इस टाइप के खुली योजना के अंतर्गत विद्यालय की आकृतियाँ, विद्यालय भवन की आकृतियाँ होती है। अब बात करें बंद योजना की आकृति, तो इसमें कैसे आएगी बंद योजना की आकृति में, एक तो ठोस आयत यानी सॉलिड रेक्टेंगल अगर जिसको हम बोले तो ठोस आयत की आकृति, आयत। दूसरी आएगी इसके अंतर्गत खाली आयत, वो तो ठोस आयत था, ये आयत है क्योंकि इसके अंदर खाली जगह होगी, होल होगे, बीच में कक्षाएं होंगी बीच में। और तीसरा होता है शून्य आयत, शून्य आयत या होलो रेक्टेंगल। शून्य आयत इसका मतलब ये है कि इसमें बीच में बिल्कुल खाली स्थान रहेगा और चारों ओर एक इमारत जैसी आकृति बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत होती है, खुली योजना बंद योजना। कौन कौन से आएंगे, एच ई एल टी आई वाई, ठीक है गाइस। इसमें आप यू भी ऐड कर लेना, एक ये आकृति भी होती है खुली योजना के अंतर्गत। तो इतना समझ में आए, ये कुछ आकृतियाँ होती है। बाई चांस अगर यहाँ से क्वेश्चन बच जाए कि इनमें से कौन सी आकृति नहीं होती है और इनकी जगह यहाँ कोई और लेटर आपको लिख करके दे दे इंग्लिश का, तो आप समझ जाइएगा कि इनसे अलग कोई आएगा तो वो ऑप्शन से एलिमिनेट आप उसको कर देंगे। बस इतना था यहाँ समझाने को उचित। आगे बात करें तो कम लागत और लचीलापन हो, विद्यालय भवन कम लागत में बने और अच्छा बने, ठीक है, ये एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषता है। विद्यालय क्षेत्र सुरक्षित स्थान पर हो, ठीक है, और उसको विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाए, लंबे समय तक सही ऐसे ही दिखता रहे, विद्यालय की सजावट हो, अच्छा वातावरण हो, सुयोग्य शिक्षित शिक्षक वहाँ रखे गए हो। तो इनमें से भी कोई पाँच ही पॉइंट्स आप देख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे वही आप विद्यालय भवन की, अच्छे विद्यालय भवन की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। दोस्तों विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी माना जाता है, विद्यालय को प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब माना जाता है। क्यों, क्योंकि आप मान करके चलिए कि विद्यालय भवन का विद्यालय भवन को प्रतिबिंब क्यों कहा गया। अब कोई भी विद्यालय में गया, उसने देखा बहुत अच्छा साजो सजावट है, बहुत साफ सफाई है, सभी टीचर पढ़ाने में लगे हुए हैं, तो एकदम से जो पहला इंप्रेशन व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि इसका मतलब यहाँ के प्रधान अध्यापक बहुत सही है भाई, सब कुछ सबका प्रबंधन करके रखा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है सभी चीज़ों को, ठीक है। तो विद्यालय भवन हमने देख लिया। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पुस्तकालय भवन की, क्योंकि ये भी तो भौतिक संसाधन है और हम पढ़ क्या रहे हैं, भौतिक संसाधन का प्रबंधन ही पढ़ रहे हैं। तो विद्यालय भवन का देख लिया, अब पुस्तकालय का देखो भाई, पुस्तकालय का प्रबंधन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि पुस्तकालय की महत्व क्या है। तो पुस्तकालय विद्यालय का हृदय कहलाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ शिक्षक और छात्र दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए ये मुख्य केंद्र होता है और शिक्षक भी और विद्यार्थी भी यहाँ से निरंतर ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। पुस्तकालय के कौन कौन से कार्य है, तो भाई सबसे पहले तो पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता करेंगी, वहाँ जो उपलब्ध पुस्तकें होंगी, विद्यार्थियों के स्वाध्याय को बढ़ाएगी, है ना, और साथ ही बच्चों में पढ़ने की आदतों का विकास करेगी, है ना, पुस्तकालय भवन। और पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित भी करता है। तो ये आपके हो गए पुस्तकालय के कार्य। पुस्तकालय में सुधार के लिए उपाय क्या है, कि भाई पुस्तकालय भवन जो है
आकर्षक लगना चाहिए। आकर्षक लगे तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट होगा, वहाँ जाकर के बैठने का पढ़ने का मन करेगा। और पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि वहाँ बैठकर पढ़ सके, और जो पुस्तकें वहाँ रखी जाती हैं उनका अच्छे से रखरखाव हो, ठीक है, और नियमित रूप से बच्चों को वहाँ पर पुस्तकें देने की व्यवस्था भी हो, अलमारियाँ हो पर्याप्त तरीके से, और विद्यालय स्तर पर पुस्तकालयों में एक बुक बैंक की भी स्थापना की जाए ताकि अगर कोई भी वहाँ अपनी बुक को डोनेट करना चाहे तो वहाँ डोनेट कर सके, ठीक है, ताकि बाकी गरीब बच्चों की भी मदद हो सके वहाँ से किताब लेना चाहे। और साथ ही यहाँ एक और बहुत अच्छा टॉपिक है कि छात्रों के लिए पुस्तकालय का महत्व क्या है, छात्रों के लिए बताओ जी क्या महत्व है। तो भाई विद्यालय में उन्हें पढ़ने का अवसर मिलेगा, पुस्तकालय भवन है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिलेगा छात्र को। साथ ही जो निर्धन परिवार के छात्र हैं जो पुस्तकों खरीदने का आप कह सकते हैं खरीद नहीं सकते हैं तो पुस्तकालय से वो ले करके पुस्तकें वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही पुस्तकालय से छात्रों में विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है जिससे उनमें पढ़ने की रुचि जागृत होती है। तो ये महत्व हो गए पुस्तकालय के। अब प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें होती है कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो इनके नाम आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे चंपक हो गया, है ना, प्राथमिक स्तर पर यही पुस्तकें मिलती है, कलरव हो गया और रिमझिम हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं, गिन तारा और एक आती है रेनबो, ठीक है, इंद्रधनुष या रेनबो जो भी उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ नाम हैं जो कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मनोरंजन के लिए पुस्तकें दी जाती हैं, इनमें भर भर के चित्र होते हैं जिससे बच्चे का पढ़ने में मन लगे। तो ये कुछ प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकें दी जाती हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए। पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए प्राथमिक विद्यालय में, वे रंगीन हो, चित्रों वाली हो, उनकी भाषा बहुत सरल हो, ठीक है, और ऐसी कहानियां उसमें हो जिससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, ठीक है, बालकों का मानसिक नैतिक और चारित्रिक विकास करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। ये पुस्तकों की विशेषताएं थी। आगे चलते हैं तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने विद्यालय भवन पढ़ लिया, उसके बाद हमने पुस्तकालय पढ़ लिया, उसके बाद हमने अब देखना है जो नया टॉपिक आएगा खेल का मैदान प्लेग्राउंड। दोस्तों विद्यालय में खेल का मैदान होना बेहद आवश्यक है क्योंकि जब कोई विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मान्यता लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वहाँ खेलने के लिए जगह है नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद होता है और ज़्यादातर कोशिश भी यही की जाती है कि खेल विधि से उनको सब कुछ सिखाया जाए। दोस्तों इसीलिए यहाँ हम जानेंगे कि खेल के मैदान के क्या महत्व है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे छात्र के समुचित व्यक्तित्व के विकास करने के लिए एक विद्यालय में आवश्यकता होती है खेल के मैदान की। खेल का मैदान शिक्षा एवं शिक्षक की सहायक प्रणाली के रूप में काम करता है। कैसे, किस अगर बच्चे को क्लासरूम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे को मैदान में ले गया खेल के और वहाँ पर खेल खेल में बच्चे को सिखाया। खेलने से छात्र में जिन गुणों का विकास किया जा सकता है वह कक्षा शिक्षण से नहीं किया जा सकता, तो ये सब इसके महत्व है। बाकी बात करें विद्यालय फर्नीचर, अगला टॉपिक है विद्यालय फर्नीचर का प्रबंधन कैसे करें, क्या आवश्यकता है, कैसा होना चाहिए विद्यालय का फर्नीचर। तो एक आदर्श कक्षा में विद्यालय का फर्नीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फर्नीचर में, कक्षा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें हो, डेस्क हो, है ना, शामपट की व्यवस्था हो, शिक्षक की मेज और कुर्सी भी होनी चाहिए, और कुछ अलमारियाँ, बुलेटिन बोर्ड, स्टैंड, कूड़ेदान, ये सभी चीज़ें विद्यालय फर्नीचर में आती है, ये सभी उपलब्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद विद्यालय में फर्नीचर बनाते समय या बनवाते समय या उसका अरेंजमेंट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक अध्यापक को, तो सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि विद्यालय में फर्नीचर निर्माण करवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है फर्नीचर और उनकी अनुमानित आयु कितनी होगी, क्योंकि किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, अगर मान के चलिए प्राथमिक स्तर पर है तो उनके अकॉर्डिंग बेंच बनाई जाएगी, ठीक है, छोटी बनाई जाएगी ताकि वे आसानी से बैठ पाए,
तो उनकी अनुमानित आयु पता होनी चाहिए। दूसरा, छात्रों की शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार उनके लिए फर्नीचर का निर्माण हो। अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम बालक है तो उसके लिए उसी तरह के फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फर्नीचर बनाया जाए, ठीक है। और फर्नीचर की व्यवस्था इस तरह से हो कि आगे बैठने वाले बच्चे पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए बाधा ना बने। और इसी के साथ डेस्क की ऊंचाई इतनी हो जिससे लिखते समय छात्रों को उचकने की ज़रूरत ना पड़े। डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच होनी चाहिए। तो ये विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था कैसी करनी है ये आपने देख लिया। अब शैक्षिक उपकरण क्या है भाई? शिक्षा में जो प्रभाव शिक्षक शिक्षण कार्य को शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनको हम शैक्षिक उपकरण कहते हैं। कौन क्या क्या आएगा इसमें? शाम्पट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, कुछ आकृतियां हो सकती है, ग्राफ या विज्ञान शिक्षण सामग्री। ये सभी क्या है? ये सभी शैक्षिक उपकरण कहलाते हैं जो शिक्षा में मदद करते हैं या शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। इनको हम शैक्षिक उपकरण कहते हैं। इनको हम TLM के नाम से भी जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो नया टॉपिक है ये है विद्यालय स्वच्छता, स्कूल सैनिटेशन। क्या क्या ज़रूरत है स्वच्छता की? स्कूल सैनिटेशन की ज़रूरत क्या है? क्यों क्यों रखनी चाहिए साफ सफाई? तो दोस्तों अगर बात करें स्वच्छता की, तो स्वच्छता बालक के जीवन में एक अनिवार्य गुण होती है। बालक को अपने घर के साथ साथ विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि भाई विद्यालय की दीवारों को साफ रखे, गंदा ना करे, ठीक है। और छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाए। नाखून तो नहीं बड़े हैं, है ना, बाल बड़े तो नहीं है, गंदे तो नहीं है नाखून, इस सब का। साथ ही विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता को लेकर के कुछ कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उसके बाद आता है शौचालय। शौचालय की व्यवस्था कैसी हो? कि भाई शौचालय की सफाई करने के लिए वहाँ सफाई कर्मी होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? वहाँ पर्याप्त मात्रा में शौचालय हो। लड़कियों के लिए अलग शौचालय हो, बालक के लिए अलग, बालिकाओं के अलग और शिक्षाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। आगे बात करते हैं पेयजल की व्यवस्था। तो भाई ये आप लोग अपने आप भी सोच करके लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हुई चल रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो आप आंसर कैसे करेंगे। पेयजल की व्यवस्था कैसी हो? तो भाई पेयजल की व्यवस्था ऐसे स्थान पर हो जो अधिक स्वच्छ हो, ठीक है। शौचालय के आसपास पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साथ ही अशुद्ध पानी से क्या होता है? छात्र बीमार पड़ जाते हैं, हैजा, पेचिस, इस तरह के रोग हो जाते हैं। इसीलिए पीने का पानी जो है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। और इसके लिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि पीने के पानी को गंदा ना करें। इसके साथ अगला अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है वित्तीय प्रबंधन। तो देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया इस पूरी यूनिट में, पूरे सब्जेक्ट में आपको ये प्रबंधन है और यही सब सीखना है, क्योंकि नाम ही इसका शैक्षिक प्रबंधन है। तो इस चैप्टर में जो अब आपका शुरू होने वाला है, यहाँ हम वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने मानवीय प्रबंधन सीख लिया, भौतिक प्रबंधन सीख लिया, तो तीसरा कौन सा था हमारा? वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे अभी। तो किसी भी संस्था के संचालन के लिए वित्त की महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। संस्था का संगठन करने की सफलता के लिए, उसकी असफलता, दोनों ही उसके वित्तीय प्रबंधन के स्तर पर निर्भर करती है। कि अगर वित्त का प्रबंधन सही ढंग से किया गया है तो सफल होगा, नहीं किया गया है तो असफल होगा, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त प्राप्त कराने वाले स्रोत को जान सकेंगे। अगर हम वित्त प्रबंधन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई विद्यालय के पास कहाँ कहाँ से अनुदान आ रहा है, कहाँ कहाँ से वित्त प्राप्त उसको हो रहा है। साथ ही उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग करना है इसका, ठीक है। प्रबंधन में, विद्यालय प्रबंधन में वित्त क्या क्या महत्व है वो जान सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैंने जैसे बताया कि भाई वित्त प्राप्त करने वाले स्रोत, ठीक है। तो उन स्रोतों में अगर बात करूँ तो दो तरह का धन मिलता है एक विद्यालय को, एक तो अनुदान के रूप में और दूसरा स्वय अर्जित धन। अनुदान के रूप में वो धन होता है जो सरकार से प्राप्त होता है, धन उसको अनुदान कहते हैं। और स्वय अर्जित धन कौन सा होता है? जन साधारण
की सहायता से प्राप्त होता है, किसी समिति की मदद से, या ग्राम प्रधान ने कोई धन आप कह सकते हैं डोनेट कर दिया विद्यालय के लिए, या किसी जन आप कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी कर सकता है, किसी ने अपनी भूमि दे दी, तो उस तरीके से ये स्वर्जित धन में आ जाएगा। आगे बात करें तो जो मैंने अनुदान की बात करी है, अनुदान तीन स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। एक तो केंद्रीय स्तर से यानी केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से और स्थानीय सरकार से, ठीक है, अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। अनुदान किसे कहते हैं? सरकार से प्राप्त होने वाला धन, ठीक है। और जो अशासकीय निजी अनुदान की मैंने बात की, वो व्यक्तिगत हो सकता है, संस्थागत, या तो कोई व्यक्ति डोनेट कर दे, कोई संस्था डोनेट कर दे, ठीक है, वो दूसरा प्रकार है। इसी के साथ दोस्तों, विद्यालय को कितना अनुदान मिलता है उसके विकास के लिए, तो प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये मिलते हैं अनुदान में, और उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये अनुदान में मिलते हैं। ये बात आपने जान ली। इसी के साथ अनुदान का उपयोग कहाँ कहाँ करेगा विद्यालय, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो भाई, जो अनुदान में प्राप्त धन है उसको विद्यालय के लिए ही खर्च करेंगे। विद्यालय के उपकरणों को लेने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए, बैठने के लिए फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने के लिए प्रयोग करेंगे। पुस्तकालय हेतु किताबें खरीदने के लिए, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर, ये सभी खरीदने के लिए, नक्शे, दीवार घड़ी, इन सबको खरीदने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका? अनुदान का। और विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जो लाएंगे, वो भी विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए जो सामग्री आएगी, वो भी हम अनुदान से प्राप्त धन से ही खरीदते हैं। इसके साथ सहायक अनुदान किसे कहते हैं? तो सहायक अनुदान की अगर बात करूं मैं, तो ये होता है, सहायक अनुदान दोस्तों वह सहायता होती है जो किसी भी संगठन को या व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। शिक्षा जैसे लोक कल्याण के कार्य की सहायतार्थ दिया जाता है, यानी आप मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन शिक्षा जैसे लोक कल्याण कार्य में अपनी मदद देना चाहता है, सहायता देना चाहता है, तो उसको हम उस सहायता को, जो कि एक एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से वित्तीय रूप में हो सकती है, वो सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, तो यानी जो सहायता के उद्देश्य से दिया जाने वाला अनुदान है वो सहायक अनुदान है, इतना आप समझ लीजिए बस यहाँ पर। बाकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? तो उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का आधार है, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। यानी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सॉरी, उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का आधार होती है, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है वहाँ की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है, इसलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो हमें धनराशि प्राप्त हुई है, यानी मान के चलिए आप विद्यालय के प्रधान अध्यापक है, आपको विद्यालय में जो आपको अनुदान प्राप्त हुआ है उससे कुछ सामान लेकर के आना है विद्यालय के लिए, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहला है क्रय एवं भुगतान के नियमों का पालन आपको रखना है। कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसका तुरंत आपको पेमेंट करना है, या ऐसे मान करके चलिए कि आपको किसी से उधारी नहीं रखनी है कि अगले अनुदान आएगा तब आपका पे करूंगा, ठीक है। यानी जितने संसाधन है उसके अनुसार आपको चीज़ें खरीदनी है। क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर आपको अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं आप लेकर के आए, अगले दिन वो बच्चों ने तोड़ दिया, आप फिर से लेने गए हैं, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ठीक है। क्रय की जाने वाली वस्तुओं के लिए निर्धारित बजट एवं सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जितना बजट है विद्यालय का, जितना उसको अनुदान में प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार उसको देखना है कि कितनी चीज़ें उसको खरीदनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये अपने ध्यान में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में बातें रखनी चाहिए जब उस धनराशि का उपयोग करते हैं। साथ ही वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। अभिलेख का मतलब होता है दोस्तों रजिस्टर, जिन रजिस्टर में वित्त से संबंधित सारी जानकारियां लिखी होती है, कितना पैसा आया, कितना कहाँ गया, कहाँ खर्च हो रहा है, वो सब रजिस्टर जिसमें वित्त से संबंधित जानकारी या डाटा इकट्ठा करना होगा, उनको हम वित्त अभिलेख कहेंगे। तो पहला है शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, ठीक है, इनके नाम ध्यान रखना, आप कई बार 2-3 लिखने को दे देते हैं। तो शुल्क एकत्रीकरण, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ठीक है, यानी इनमें पूरा लेखा जोखा होता है कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है। मिड डे मील रजिस्टर में कि भाई मिड डे मील पर कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है,
राशन के लिए कितना है, कौन से राशन पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, पूरी जानकारी होती है, किस दिन कितना क्या मंगाया, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। दो BTC 2017 में एक छोटा सा प्रश्न बना था, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है क्या। उचित वित्तीय प्रबंधन, दोस्तों अगर उचित वित्तीय प्रबंधन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको हम क्या कहेंगे, सफल प्रबंधन कहेंगे, ठीक है। और उचित वित्तीय प्रबंधन प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है, ऐसे ये MCQ में पूछा गया था और ऑप्शन दिए गए थे प्रबंधन की सफलता को, प्रबंधन की असफलता को। तो उचित वित्तीय प्रबंधन प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। बहुत बहुत सारा कवर कर चुके हैं हम, लगभग मान के चलिए आधे से ज़्यादा हमारा हो चुका है सिलेबस पूरा। आगे बात करेंगे लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर क्या है, लर्निंग कॉर्नर क्या है? तो लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का एक कोना होता है और ऐसा कोना है जिसमें शिक्षण से संबंधित सारी शिक्षण अधिगम सामग्री होगी, ठीक है, इसी कोने में रखी जाएगी। विद्यालय लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे क्या करेंगे, स्पर्श करके, उनको देखकर और उनके पढ़ करके क्या करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। अब लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में किन किन गुणों का विकास होता है, तो अवलोकन करने का गुण उनमें विकसित होता है, निरीक्षण करने का और निष्कर्ष निकालने का, इन गुणों का विकास किया जा सकता है लर्निंग कॉर्नर की मदद से। अब दोस्तों कई बार पूछा जा सकता है कि अध्यापक डायरी, अध्यापक दैनादिनी क्या होती है, इसकी व्याख्या करिए, पूछा भी गया है पहले एक बार। तो शिक्षक डायरी से आशय है उस अभिलेख से है जिसमें एक शिक्षक की वर्ष भर की गतिविधियों का सारा लेखा जोखा होता है कि वर्ष भर उस शिक्षक ने क्या पढ़ाया, कौन सी कक्षा को पढ़ाया, कितने उस कक्षा में कितने छात्र थे, छात्रों का नाम क्या था, उनका पता क्या था, कौन सी विधि प्रयोग की और कितने उस छात्र में उस कक्षा में प्रतिभाशाली बालक थे, कितने समस्यात्मक बालक थे, प्रतिदिन उसने क्या क्या पढ़ाया, कौन से विषय में कितना पढ़ाया, कौन सा चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, उदाहरण कौन से दिए, साप्ताहिक रूप से पूरी जानकारी होगी। तो यही चीज़ें यहाँ बताई गई है कि छात्रों का नाम पता, शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग की, प्रतिभाशाली छात्रों की सूची भी इसमें रहती है अध्यापक दैनादिनी में या अध्यापक डायरी में, समस्यात्मक बालक कौन कौन से उसकी कक्षा में, इस बात की जानकारी होती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका शैक्षिक प्रबंधन। अब ये शैक्षिक प्रबंधन क्या है, विद्यालय प्रबंधन तो हमने जान लिया, अब शैक्षिक प्रबंधन में आएगा सबसे पहले कक्षा कक्ष का प्रबंधन करना, ठीक है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का सामान्य अर्थ है कक्षा कक्ष में संबंधित जितने उपकरण हैं उन एवं भौतिक व्यवस्था से, जितने भी उपकरण हैं उन सभी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, और इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना या प्रभावी बनाना होता है कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य। कक्षा कक्ष प्रबंधन में केवल और केवल भौतिक व्यवस्था नहीं, उसके साथ साथ मानवीय संसाधन जो उपस्थित रहते हैं कक्षा कक्ष के अंदर, जैसे शिक्षक और छात्र, उन सभी का प्रबंधन करना भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ देखिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत कक्षा से संबंधित समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन के प्रबंधन को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें उदाहरण बताए गए हैं भौतिक संसाधन कौन कौन से, भवन, कुर्सी, मेज इत्यादि, और मानवीय संसाधन शिक्षक और शिक्षार्थी, ये सभी सम्मिलित होते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या होंगे, तो भाई आप थोड़ा सा सोच करके चलिए, जब कक्षा कक्ष प्रबंधन होगा और इसका उद्देश्य क्या होगा, प्रबंधन इसलिए तो किया जा सकता है ताकि जिसका जो काम है वो अच्छे से हो सके, भाई शिक्षक पढ़ाने आया है तो वो भी अपना अच्छे से पढ़ाए, ठीक है, शिक्षार्थी पढ़ने आया है तो वो भी पढ़ करके जाए और दोनों ही लाभान्वित हो, ठीक है। साथ ही कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सके, इसलिए कक्षा कक्ष प्रबंधन किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाना जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके, ये कक्षा कक्ष प्रबंधन के क्या है, उद्देश्य है, जिनको हम शैक्षिक प्रबंधन भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शिक्षा का प्रबंधन ही हो रहा है एक तरह से अगर देखा जाए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए, या आप कह लीजिए कि कुछ लाइंस है जो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ी सी देर की बात है, अभी हम इसको फटाफट से पूरा कर लेंगे, ठीक है, 2 घंटे से पहले आज का टारगेट है मेरे इस क्लास को पूरा करने का बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि आपको समझ भी आए। तो सुनिएगा ध्यान से, 2 लाइनें हैं कि दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए।
शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, और शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए, हमारी सच्चाई नहीं बिकी। तो यही है आजकल का दिखावटी दुनिया, जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है, लेकिन वही बात है कि सच्चाई भले ही ना बिके, देर तक टिकी रहे, लेकिन वही बात है कि उसकी अपने आप में वैल्यू ही अलग होती है। आजकल दिखावटी लोगों का ज़माना ज़्यादा है, तो क्या ही करे, सच्चाई है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है इससे तो आप थोड़ा सा और अलग ही सोचने लगे होंगे कुछ। चलो कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पर वापस आओ फटाफट से। यहाँ हम बात करेंगे अब कक्षा कक्ष प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। भाई, कक्षा कक्ष का प्रबंधन करना है, इसका मतलब ये है कि कक्षा कक्ष में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब कैसे करेंगे उसका प्रबंधन, सोच के चलो। सबसे पहले तो जो वहाँ की बैठक व्यवस्था है, कक्षा की बैठने की व्यवस्था है, उसको सही करेंगे। ठीक है, कैसे सही करेंगे, यानी उचित क्रम में बैठने की व्यवस्था हो, फर्नीचर सही क्रम में लगाया गया हो, ताकि पिछले वाले बच्चे भी आसानी से सामने ब्लैक बोर्ड को देख पाए। इसके साथ साथ कक्षा में उचित प्रकाश की भी व्यवस्था हो, भई अंधेरा ना हो कक्षा में। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार से रखी जाए कक्षा में ताकि बच्चे उसको आसानी से देख पाए और प्रयोग कर सके। दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर शामपट हो ताकि सब उसको इजीली देख पाए। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, अध्याय 7, जिसका नाम है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, अभी समय प्रबंधन क्या है भाई? समय प्रबंधन में दोस्तों हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा विद्यालय समय तालिका, स्कूल टाइम टेबल। भाई समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन तभी तो होगा जब हम टाइम टेबल बनाएंगे, तो वही है। चलिए टाइम टेबल देखेंगे कैसा होता है एक विद्यालय का टाइम टेबल, विद्यालय की समय तालिका। विद्यालय के टाइम टेबल को, समय तालिका को विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अभी जान करके चलिए, हालांकि मैं आगे भी बताऊंगी, लेकिन यही जान लीजिए विद्यालय को, विद्यालय की समय तालिका को विद्यालय की दूसरी घड़ी भी कहा जाता है। एसजी स्टेज के अनुसार विद्यालय की जिस तालिका योजना या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन में निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, समय विभाग चक्र या समय तालिका कहलाते हैं। क्या कहा गया है इसमें? इसमें ये कहा गया है कि विद्यालय की जिस तालिका के या किसी योजना के या किसी चार्ट के अनुसार, चार्ट भी तालिका ही है इसका यहाँ पर तात्पर्य, चार्ट और योजना का मतलब तालिका से ही है। ठीक है, टाइम टेबल से ही है। तो विद्यालय की जिस तालिका के अनुसार प्रतिदिन में निर्धारित जो कार्य है उनको समय के अनुसार पूरा करना ही क्या कहलाएगा, समय विभाग चक्र या समय तालिका कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है विद्यालय समय तालिका के? तो भाई सबसे पहले देखिए कि समय तालिका विद्यालय कार्यों के व्यवस्थित संचालन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, साधन के रूप में कार्य करता है, साधक नहीं है, साधन है। समय सारणी पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का कार्य करती है। समय सारणी के विधिवत प्रयोग से नियमितता की आदत पड़ती है, उत्तरदायित्व की भूमिका या भावना का विकास होता है। समय तालिका समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। ठीक है, साथ ही विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं का चरम उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही अच्छी समय तालिका शिक्षकों में कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। इसके साथ दोस्तों विद्यालय समय तालिका के निर्माण के कुछ सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से सिद्धांत, तो अब हम आगे जानेंगे इन सिद्धांतों के बारे में, लेकिन उससे पहले समय तालिका को दूसरी घड़ी के नाम से जानते हैं विद्यालय की। ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था और ये आपके MCQ में पूछा गया था एक बार। ठीक है, साथ ही विद्यालय की समय तालिका में क्या क्या, कौन कौन से तथ्य शामिल होते हैं, तो उसमें बालकों के हित को देखते हुए उनसे संबंधित तथ्य होते हैं कि भाई किस कक्षा के लिए कौन सा शिक्षक उस कक्षा में जाएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, और बालकों के लिए खेलने का घंटा कौन सा होगा ये भी निर्धारित होगा उसमें। शिक्षकों से संबंधित भी उसमें तथ्य होंगे कि भाई शिक्षक किस समय कौन सी कक्षा में पढ़ा रहा होगा। विद्यालय सामग्री संबंधित और शिक्षा विभागीय नियमों के आधार पर इसको बनाया जाता है, और संसाधनों का उत्तम उपयोग करने के लिए बनाया जाता है विद्यालय समय
तालिका को। अब कौन कौन से सिद्धांत है विद्यालय समय तालिका के निर्माण के, इसमें आता है दोस्तों, पहला है लोच का सिद्धांत। अब ये लोच का सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोच का सिद्धांत मतलब दोस्तों यहाँ है कि भाई जो हम समय तालिका बनाएंगे, विद्यालय समय तालिका बनाएंगे, समय सारणी बनाएंगे, वो कैसी हो, वो दोस्तों विद्यालय की समय तालिका लचीली होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय की समय तालिका कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, और उसमें समय के अनुसार या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें हम परिवर्तन कर सकें, उसमें परिवर्तन की भी गुंजाइश होनी चाहिए आवश्यकताओं के अनुसार। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय सारणी एक साधन है, ना कि साधन है। इस साधन को कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थी और अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें समायोजन और परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। यही बात है कि विद्यालय की समय सारणी लोच के सिद्धांत से मतलब है लचीली होनी चाहिए, समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सके। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों न्याय का सिद्धांत। विद्यालय समय सारणी का जो सिद्धांत हमने जान लिया, लोच का सिद्धांत, दूसरा कौन सा है, न्याय का सिद्धांत। अब न्याय के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो वहाँ पर कार्यरत अध्यापक है उनको एक तो उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, ठीक है, जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको कार्य मिले, वही विषय उसको पढ़ाने को दिया जाए। और साथ ही इस सिद्धांत में एक और बात आएगी कि शिक्षा का समान भार होना चाहिए, शिक्षण का समान भार, सभी अध्यापकों पर समान भार हो शिक्षण का, और किसी भी शिक्षक के लगातार पीरियड ना होने चाहिए, बीच में उसको रेस्ट भी मिलना चाहिए। साथ ही तीसरा सिद्धांत आता है विविधता का सिद्धांत। अब ये विविधता का सिद्धांत से क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये है, ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रख करके सोचा गया है विविधता के सिद्धांत में, कि जो कठिन पीरियड है, कठिन विषयों के पीरियड है, वो लगातार ना हो। दूसरा, एक कक्षा में दिन भर एक ही कक्षा में ना बैठाए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, बहुत ही बेचैन होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना या एक जगह बैठे रहना बहुत भारी लगता है। साथ ही एक ही अध्यापक उनकी लगातार कक्षा ना ले, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, अलग अलग शिक्षक उनको पढ़ाने के लिए आए। तो ये कुछ सिद्धांत हमने जाने विद्यालय की समय तालिका से संबंधित। अब यहाँ दोस्तों आपको बताया गया है समय सारणी के प्रकार, किस किस प्रकार की समय सारणी होती है, किस किस के लिए बनाई जाती है। तो पहली होती है कक्षावार समय सारणी, हर एक कक्षा के लिए अलग अलग समय सारणी बनेगी। दूसरी होती है अध्यापकवार समय सारणी, यानी प्रत्येक अध्यापक के लिए अलग अलग। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी अलग बनेगी, ठीक है। अध्यापक के अतिरिक्त जो घंटे होते हैं, खाली घंटे हैं, उनमें उन क्या करना है उसकी समय सारणी अलग बनेगी। तो ये चार प्रकार से समय सारणी हो जाएगी, कक्षावार, अध्यापकवार, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी और अध्यापक के रिक्त घंटों की समय सारणी। इतना आपको क्लियर हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, यानी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में, क्या होती है पाठ्य सहगामी क्रिया, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी या को कैरिकुलर एक्टिविटी क्या होती है। तो दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ जो हम और अन्य क्रियाएं कराते हैं बच्चों से, ठीक है, जैसे खेल कूद हो गया, वाद विवाद हो गया, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर लिया, राष्ट्रीय पर्व मनाया, कहीं भ्रमण के लिए ले गए बच्चों को, बागवानी का काम कर लिया, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है, जैसे खेल कूद, वाद विवाद, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी इत्यादि, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। आगे बात करें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता क्या है, क्यों कराया जाता है, इनकी क्या उपयोगिता है या इनके क्या उद्देश्य है शिक्षा में। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्यों कराया जाता है, भाई ज़रूरत क्या है खेलकूद कराने की, क्या ज़रूरत है हम उसे बागवानी करवाएं, भ्रमण के लिए ले जाएं, क्यों वाद विवाद करवाएं, तो ज़रूरत है,
अब देखिए क्यों, इनसे दोस्तों बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक स्तर पर विकसित होते हैं बच्चे, सामाजिक विकास होता है उनका, उनका भावात्मक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास उनमें होता है। तो इन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने की, यही इनकी उपयोगिता भी है और शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को ऐड करने का यही उद्देश्य भी था। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, जिन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी किस तरह कैसी कैसी क्रियाएं उसमें कराई जाती है, तो जैसे सामुदायिक क्रियाएं हो गई, कहीं स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया उसमें विद्यालय में, शिक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया, धार्मिक और सामाजिक कल्याण क्लब बनाए गए, संगीत संबंधी क्रियाएँ, ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएँ, बाल सभा का आयोजन करा दिया, ये सभी कुछ क्रियाएँ होती है। अब दोस्तों शैक्षिक भ्रमण क्या है, ये पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, तो शैक्षिक भ्रमण क्या है, शैक्षिक भ्रमण में क्या होता है, बच्चों को किसी क्षेत्र विशेष या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं शैक्षिक भ्रमण में, यानी बच्चों को कहीं घुमाने के लिए ले जाया जाता है किसी विशेष स्थान पर, जहाँ बच्चे क्या करेंगे, वहाँ की वस्तुओं का, व्यक्तियों का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, जो भी वहाँ देखेंगे, और उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण जो है वो सबसे पुरानी दृश्य सामग्री माना जाता है। शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन कौन से स्थान हो सकते हैं, तो ये आपके आरंभिक स्तर पर भाषा विषय में भी पूछा गया प्रश्न था प्रीवियस ईयर पेपर में कि शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन कौन से स्थान हो सकते हैं, तो संग्रहालय में घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, म्यूजियम जिसको बोलते हैं, और भूमि संरक्षण स्थल, मौसम कार्यालय, चिड़ियाघर, कृषि केंद्र इत्यादि, इन सभी स्थानों पर ले जा सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण के क्या क्या उद्देश्य है, क्यों ले जाते हैं, उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण संबंधित जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, साथ ही शिक्षण की परियोजना को शुरू करने से पहले, अगर हम मान लीजिए कोई किसी वीर महापुरुष, अब मान के चलिए हमें ताजमहल का चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है, हम वहीं आसपास के कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के बच्चों को ताजमहल ही ले जाएंगे घुमाने के लिए, और वहीं ले जाकर के उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो शिक्षण की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले भी उसके बारे में वहाँ पूरा बेसिक सी जानकारी, इंट्रोडक्शन उसका दे देंगे, ताकि बच्चे उसको जब कक्षा में बैठे तो क्या कर सके, उसका वास्तविक जीवन से उसको जोड़ सके, ठीक है। और कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए भी ले जाते हैं, ये भी उद्देश्य है। भ्रमण किए गए स्थानों के व्यक्ति, उनके क्रियाकलापों, वहाँ के पेड़ पौधे, वस्तुओं का अवलोकन कराने के लिए। और शैक्षिक भ्रमण के महत्व क्या है, तो इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, नवीन ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति जागृत होती है, सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बच्चों में, और निरीक्षण शक्ति का विकास बच्चों में होता है, ये शैक्षिक भ्रमण के महत्व है। इसके साथ आपका नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपसे बात की गई है सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। भाई अभिलेख की बात आ गई यहाँ पर फिर से, तो अभिलेख का प्रबंधन करना यहाँ पर हमें सीखना होगा, कौन कौन से अभिलेख है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रत्येक संस्था में बहुत सारे अभिलेख होते हैं, अनेक प्रकार के अभिलेख बनाए जाते हैं, जिनमें विद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी होती है। इन अभिलेखों का प्रबंधन करना अत्यंत उचित तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम उसको तुरंत प्राप्त कर सके, ठीक है। अब कौन कौन से अभिलेख हो सकते हैं, पहला तो आता है दोस्तों सामान्य अभिलेख। अभिलेख के प्रकार बताए गए हैं, पहला क्या है, सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख में क्या आएगा कि भाई अभिभावक शिक्षक संघ से संबंधित, मातृ शिक्षक संघ जो हमने ऊपर पढ़ा भी, उनसे संबंधित जो है जानकारी या डाटा इसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फिर अध्यापक से संबंधित अभिलेख बनाएंगे, उसमें अध्यापक से संबंधित जानकारी। विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख बनाएंगे, तो उसमें विद्यार्थियों की जानकारी। उपकरण कौन कौन से है, कौन सा नया उपकरण खरीदा है, उस सब की जानकारी इसमें होगी। वित्तीय अभिलेख से संबंधित जानकारी इसमें होगी। तो ये कुछ अभिलेख है जो कि प्रत्येक विद्यालय में क्या करे जाते हैं, इनका प्रबंधन किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सके। आगे चलते हैं दोस्तों, हमने अभिलेख जान लिया। एक संचयी अभिलेख होता है, इसका क्या मतलब है, संचयी अभिलेख का मतलब है इसमें छात्रों का स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट उनका रिकॉर्ड रखते हैं संचयी अभिलेख में, ठीक है, जिसमें बच्चे की विद्यालय में उपलब्धि क्या रही,
उपस्थिति कितनी रही, स्वास्थ्य परीक्षण के अंक, सारी जानकारी, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको संचयी अभिलेख में मिलेगी। बच्चे के लिए बनाया जाता है, छात्र की सारी जानकारी इसमें होती है, स्थायी जानकारी, ठीक है। संचयी अभिलेख का महत्व क्या है, तो संचयी अभिलेख की मदद से छात्रों को ठीक प्रकार से समझने में सहायक सिद्ध होता है। यानी अगर किसी बच्चे के बारे में जानना है, ठीक है, तो बिल्कुल इससे सारी बातें, क्योंकि इसमें लिखी होती है बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं है, हर एक बात की जानकारी, तो वहाँ से बच्चे को हम समझ सकते हैं, उसको समझने में मदद मिलती है। छात्र के शैक्षिक, व्यावसायिक और नैतिक निर्देशन में सहायक के रूप में काम करेगा कि भाई बच्चे को आगे पता चल रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट इस विषय में है, इस वाले विषय में लगातार उसकी उपलब्धि बहुत अच्छी रही है, तो उसको आगे निर्देशन दिया जाए कि आगे वो इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, उसको गाइडेंस दिया जाए। साथ ही छात्रों की प्रगति प्रदर्शित करते हैं संचयी अभिलेख, और छात्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त इसी से होती है। आगे चलते हैं, आपका नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, अब ये क्या है, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में तो आप बचपन से जानते हैं, यहाँ कुछ नया नहीं है। चलिए देखिए क्या है, आप अपने आप ही आपको ये चीज़ें याद आती चली जाएंगी क्या होता है इसमें, इस टॉपिक में, आपदा प्रबंधन में। तो आपदा शब्द क्या, आपदा शब्द का क्या अर्थ है, आपदा शब्द फ्रेंच भाषा के, आपदा शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है बुरा या दुष्ट। क्या होता है, बुरा या दुष्ट। आपदा शब्द का जो आपदा शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है बुरा या दुष्ट। अब दोस्तों, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, पहली तो होती है प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरी होती है मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होगी, जिन आपदाओं पर हमारा यानी मानव का कोई नियंत्रण ना हो, उनको हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग। अब मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी होंगी, भाई जो मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं जो मानव की वजह से हुई है, जैसे युद्ध, बम विस्फोट, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, और बाकी और सभी जितने भी दंगों की वजह से नुकसान जो होता है, ठीक है, वे आपदाएं ही कह सकते हैं, बड़े पैमाने पर जब नुकसान हो, ठीक है, तो ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप सबने सुना होगा। 1984 की बात है, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में, मध्य प्रदेश में पड़ता है भोपाल, राजधानी है वहाँ की, तो भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई, उसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइट के जो सिलेंडर थे वो लीक हो गए, जो कि एक बहुत ही हानिकारक, या आप कह लीजिए जहरीली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से, उसके हवा में घुलने की वजह से वहाँ वायु प्रदूषण हो गया, और जिसने उसको स्मेल किया, लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इसकी वजह से मारे गए थे। अब दोस्तों चक्रवात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, चक्रवात क्या है, तो चक्रवात का अर्थ होता है चक्राकार हवाएं, जो हवाएं ऐसे घूम घूम कर चलती है, उनको हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। अब यहाँ प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के कौन कौन से सिद्धांत है, यह एक प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन किसको कहा जाएगा, जब वहाँ कार्य का विभाजन समान रूप से होगा, अनुशासन की व्यवस्था होगी, उद्देश्य निष्ठता होगी, साथ ही अधिकार और उत्तरदायित्व होंगे सबके पास, निर्देशन की एक रूपता होगी, तो वो कैसा होगा, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन कहलाएगा, या प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत इन इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आया आप सभी को। इसी के साथ आपको उस चैप्टर में इतना ही था, उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को, इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, और मेरे ख्याल से इन पर हम थोड़ी थोड़ी बातें शुरुआत से करते हुए आ रहे थे। ठीक है, जैसे कार्य विभाजन मैंने बताया था कि प्रत्येक अध्यापक को समान कार्य का विभाजन किया जाए, ठीक है, इसी तरीके से आपको उनको एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की क्या क्या भूमिका होती है। तो प्राचार्य की विद्यालय में भूमिका एवं कार्य क्या क्या कार्य है, तो प्राचार्य का क्या कार्य है, सबसे पहले तो यही देखिए, तो प्रधानाचार्य विद्यालय के बाहरी और आंतरिक प्रशासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
बिल्कुल। और क्या क्या कार्य होंगे भाई? नियोजन करना, योजना बनाना, फिर क्या करना, प्रशासन में शिक्षक की भूमिका होती है, वहाँ के प्रधान अध्यापक की कह लीजिए, साथ ही व्यवस्था को बनाए रखना, पर्यवेक्षण का कार्य इनका होगा, निर्देशन देने का, मूल्यांकन और नियंत्रित करने का भी जो है कार्य होगा आपका, किसका, प्राचार्य का। इसके साथ ही नियोजन क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, योजना बनाना, ठीक है, बिल्कुल। उसके साथ पर्यवेक्षण क्या होता है भाई? विद्यालय में जो व्यवस्था की गई है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इस बात का पता लगाना ही क्या कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। चलो जी, यहाँ इतना कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका मातृ शिक्षक संघ। अब ये मातृ शिक्षक संघ क्या है, इसका एक दो बार जिक्र पहले भी हुआ लेकिन वहाँ हमने इसके बारे में बात नहीं की, अब यहाँ करेंगे इसके बारे में बातचीत। क्या है मातृ शिक्षक संघ? दोस्तों, मातृ शिक्षक संघ जो है ये जो बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियाँ होती है, बालिकाएँ होती है, उनकी माताओं का एक समूह बनाया जाता है, ठीक है, और उस समूह की एक अध्यक्ष बनाई जाती है, उनमें से किसी छात्रा की माता को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, और इस संघ में एक जो है महिला शिक्षक भी होती है उस विद्यालय की। तो ये संघ क्या काम करेगा, ये मातृ शिक्षक संघ, जिसमें अध्यक्ष तो होगी किसी भी छात्रा की माता, ठीक है, और साथ ही वहाँ पर एक सचिव होगी, जो सचिव वहाँ की महिला शिक्षक होगी उस विद्यालय की। तो वे क्या काम करेंगी, विद्यालय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगी, साथ ही छात्राओं की माता में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और विद्यालय की महिला शिक्षक को, शिक्षिका को क्या बनाया जाएगा, सचिव बनाया जाएगा। काम क्या होगा, छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने का इनका कार्य होगा और मीना मंच का संचालन करना, जागरूकता फैलाना ताकि लड़कियां भी पढ़ने में इंटरेस्ट ले और बाकी उनकी अगर कोई भी व्यक्तिगत समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए संघ को बनाया जाता है। दूसरा संघ है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। इसका क्या काम है, तो इस केंद्र में समन्वयकों द्वारा विद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण का अर्थ अभी बताया था कि जो भी वहाँ कार्य हो रहा है, जो भी व्यवस्था की गई है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसका पता लगाना और उसकी रिपोर्ट बना करके उच्च अधिकारियों के पास भेजना, ठीक है, और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी देने का काम न्याय पंचायत केंद्र करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की बात करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है या बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करेगा, साथ ही शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे इसलिए वहाँ पर पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करेगा, साथ ही प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की स्वीकृति भी प्रदान करने का प्रस्ताव भेजता है। यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 13 शुरू हो जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही है, ठीक है, शिक्षा के सुधार के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे NCERT। NCERT की फुल फॉर्म क्या है पूछ ली जाती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य क्या है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास करना ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। क्लियर है, आगे बात करेंगे। आगे दोस्तों जो नया यहाँ पर एक और आप हेडिंग देख पा रहे हैं NCTE, तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला अभिलेख है। ये NCTE का मतलब क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई 1995 को दिल्ली में। क्या कार्य है, तो शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उनमें संशोधन करना, यहाँ शिक्षकों को ही शिक्षित करने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, और साथ ही साथ ये पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी उनके लिए, शिक्षकों के लिए, और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन क्या है सरकार को सुझाव देगी, उसके लिए न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करेगी NCTE। इसके साथ आगे हम बात करेंगे न्यूपा। न्यूपा क्या है, न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं
प्रशासन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1962 में हुई और कहाँ, नई दिल्ली में। क्लियर है आपको, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही उद्देश्य क्या है इसको, इसका संगठन करने की, स्थापना करने के, तो शैक्षिक योजना और प्रशासन में शोध प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल इसका कार्य करेगा। और साथ ही साथ सहायता अनुदान प्राप्त करना, प्रदान करना और शोध कार्य को बढ़ावा देना इसका कार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इग्नू के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1985-86 के बीच हुई, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि 85 में हुई या 86 में, अलग अलग जगह अलग अलग आपको ये दिया गया है। अगर ऑप्शनल में इन दोनों में से एक मिले तो आपको एक ही मिलेगा वैसे डेफिनेटली, तो आप उनमें से एक चूज़ करना, बाकी अगर लिखने को आ जाए तो आप इसको ज़्यादा अहमियत देंगे, ठीक है। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। कार्य क्या है, तो स्नातक उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रों को पाठ्यक्रम के निर्माण करना उनके लिए, और साथ ही उनको ऑनलाइन पढ़ने का मौका देना अगर वो विद्यालय में उपस्थित होकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रेडियो, दूरदर्शन या ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं हम NIOS। NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था। तो ये तो उच्च कक्षाओं के लिए हो गए, उच्च शिक्षा के लिए जो इग्नू है, लेकिन NIOS क्या है, ये स्कूलों के लिए है, ठीक है, भारत में मुक्त विद्यालयों के लिए है। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, और ये भी कैसे, ऑनलाइन तरीके से दूरस्थ शिक्षा या मुक्त शिक्षा जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन मोड में तैयारी करना, या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से तैयारी करना, एडमिशन ले लेते हैं बच्चे और इंटरनेट के माध्यम से वहाँ से तैयारी करते हैं, अपना एग्ज़ाम देते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये NIOS इंस्टीट्यूट जो है ये कार्य करता है, पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है NIOS का। आगे हम बात करेंगे दोस्तों राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जिनमें सबसे पहला नाम आता है SCERT का। SCERT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगर बात करें दोस्तों SCERT की स्थापना कब हुई, तो इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करिए आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित ही हम जानेंगे, हमें नहीं पता केंद्र स्तर पर कब हुई, लेकिन हमें यहाँ उत्तर प्रदेश स्तर पर ही जाननी है, इसलिए इसको आप यहाँ करेक्ट करके करेंगे 1981, ठीक है। क्या करेंगे आप यहाँ, 1981 करेंगे। उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी, ये याद रखना। क्या काम है, तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध कार्य को कराना, और साथ ही साथ राज्य के माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है, डाइट के कार्यों और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना इनका काम है, ठीक है। पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का भी काम करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे गाइस, तो राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ कन्फ्यूज़न ये था कि क्या मैम ये लखनऊ में है, तो भैया जो राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का है वो लखनऊ में ही है, लेकिन अगर आपको उत्तर प्रदेश ना दिया हो ऑप्शन में और ऐसे पूछा जाए राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तब आप बताएंगे वाराणसी। तो वाराणसी को लेकर यहाँ आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यूपी की ही बात की जाएगी, आप यूपी में रह रहे हैं और वहीं की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपसे यूपी वाला ही पूछा जाएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। स्थापना हुई 1956 में। कार्य क्या है, तो इसका सबसे प्रमुख कार्य है दोस्तों जो हमारी संस्कृति है और साहित्य है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसने इसके अंडर बहुत ज़्यादा साहित्यिक, बहुत सारे साहित्यिक केंद्रों की स्थापना की जाती है, और उत्तर प्रदेश भारत एवं भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है ये संस्थान। साथ ही साहित्यकार कल्याण कोष प्रोवाइड करता है, ठीक है, और भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अनुवाद भी करता है, ठीक है, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात आती है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसको आप PN भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनर कंट्रोलर ऑफिसर, ठीक है। तो 1872 के आसपास इसका क्या होता है, गठन होता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का व्यवस्थापक माध्यमिक बोर्ड है ये PNP, और उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नियामक अधिकारी जो है उसका सचिव होता है,
कार्य क्या है? विद्यालयों में परीक्षाओं की व्यवस्था तथा प्रारूप तैयार करना। भाई आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस किस विश्वविद्यालय में उसकी परीक्षा होगी, कहाँ आपकी परीक्षा होनी है, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, वो सब तैयार करने का काम करेगा। और 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का भी, पुस्तकों का निर्धारण करने का काम भी करेगा। आगे बात करते हैं जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं। उनमें पहला नाम आता है डाइट का, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुई और 1987 में डाइट की स्थापना करने का कार्य शुरू हो गया था अलग अलग स्थानों पर। डाइट का के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, तो सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, जिसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आप प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा होता है कार्यानुभव विभाग और तीसरा होता है नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। कार्य क्या है इसका, डाइट का क्या क्या कार्य होता है, तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और शैक्षिक नवाचार एवं जिला स्तर पर अकादमिक योजना का निर्माण करना कार्य होता है किसका, डाइट का। आगे हम बात करेंगे बीएससी बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक स्तर प्रारंभिक शिक्षा के प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ था, बेसिक शिक्षा परिषद का गठन। और बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित प्रमुख कार्य हम ऊपर जान चुके हैं जब हमने इनके बारे में बात की थी। अब दोस्तों जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण हमने जान लिया, अब स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनमें पहला नाम आता है DEO, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, तो ब्लॉक स्तर पर सहयोगी के रूप में काम करता है और ब्लॉक के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय है वहाँ पर किताबों और शिक्षकों की अच्छी व्यवस्था करना इसका कार्य होता है। इसके बाद आता है दोस्तों स्थानीय स्तर पर अभिकरण में कौन शामिल है, NPRC, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, एक न्याय पंचायत में 10 से 12 ग्राम पंचायतें शामिल होती है, ठीक है, 10 से 12 ग्राम पंचायत को मिलकर के क्या बनता है, एक न्याय पंचायत बनती है। और इसका कार्य होता है शैक्षिक गतिविधियों को समर्थन देना और साथ ही साथ अध्यापकों एवं विद्यालयों का मार्गदर्शन करने का काम इसका होता है। इतना समझ में आया, अब मान करके चलिए आपका लास्ट चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा। बिल्कुल हम लास्ट में पहुँच चुके हैं अपने सिलेबस को पूरा करने के, एक बार फिर से आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा आनी चाहिए। और दोस्तों जितने भी साथी बीच में जुड़े हैं, लास्ट में जुड़े हैं, आप पूरे क्लास देखना स्टार्टिंग से, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। और गाइस प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए सोच रही हूँ कि अभी मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा मन करे काम करने का आपके लिए। वैसे तो मैं फुल्ली मोटिवेटेड रहती हूँ ऑल द टाइम, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए बहुत जल्दी मैं यानी कल से ही आपको प्रोवाइड करना शुरू करूं, क्योंकि आपने राजन पावन सीरीज बहुत पढ़ ली होगी, उसके MCQs पढ़ लिए होंगे, आपको एडिशनल कुछ MCQs दूं मैं, 100-150 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूं MCQs, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैं ऑलरेडी आपका सारा कवर करा ही चुकी हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नए क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप याद कर पाएंगे, इस तरह से उनको समझेंगे जो नए क्वेश्चन आएंगे MCQs में, और आपका एक टेस्ट भी लग जाएगा उसकी हेल्प से, और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉसिबल क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं। तो हर एक चैप्टर से जितने MCQ बन सकते हैं उन सबको बना करके आपके लिए मैं कल से सोच रही हूँ, कल से क्लास शुरू करूँ MCQs की मैराथन, जिसमें 100-150 क्वेश्चन एक बार में एक सब्जेक्ट के सारे MCQ कवर, हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के, ठीक है। बताना आप कमेंट बॉक्स में बाद में लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद कि कैसा आइडिया है, बाकी जैसा आप कहेंगे फिर वैसा ही होगा। आगे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचा। इसके अंदर हमें देखना है बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, कार्य क्या करती है, तो बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। अब कार्य क्या है इसके, तो बेसिक स्कूलों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान,
बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्थानों का पर्यवेक्षण करना, यानी जितनी इन संस्थाओं के नाम लिए हैं यहाँ पर जाकर के देखना कि जो व्यवस्था लागू की गई है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, और उन पर नियंत्रण करने का ये काम करेगी। ठीक है, समझ में आई बात बहुत अच्छे तरीके से? बिल्कुल। उसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में आया, अभी ऊपर बताया, ठीक है, वही है यहाँ पर। और इसके अंतर्गत 1 अगस्त 1972 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 4 अगस्त 1972 की बैठक में स्वीकृत किया गया था इसको, इस अधिनियम को। हालांकि इतना जानने की, इतना डीप जानने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कैसे किसने स्वीकृत किया, ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जान करके चलिए कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। आगे हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है भाई? हमारे देश के हर एक नागरिक को किसी भी संदर्भ में जानकारी लेने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है 30 दिन के अंदर क्या करनी होती है, जो जानकारी है वो उपलब्ध करानी होती है। अगर किसी ने जानकारी उपलब्ध करने के लिए कोई शिकायत की है या जानकारी की मांग की है किसी भी फील्ड से संबंधित, तो उसको 30 दिन के अंदर जानकारी प्रदान करने का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके। और जो ये कार्यक्रम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये पारित तो हो गया था 2005 में, लेकिन 22 जून 2005 को ये प्रभावी हो गया था, यानी लागू हो गया था, हर जगह प्रभावी हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आपका आता है लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है UPTET, जिसकी आपकी अब से तैयारी शुरू होने वाली है, आपके जैसे ही एग्ज़ाम पूरे होंगे, ठीक है, उसके तुरंत बाद हम 1-2 दिन का रेस्ट लेंगे, हम भी और आप भी। उसके तुरंत बाद हम UPTET CTET की तैयारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा इतने अच्छे तरीके से। और आप अब तो टीम देख ही रहे हैं, क्या बेस्ट टीम मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो बिल्कुल, व्यवस्था करने में, ढूंढने में समय ज़रूर लगा इतने अच्छे अध्यापकों को, लेकिन सच में एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक के रूप में और एक बहुत ही अच्छे, आपको कह सकते हैं कि गाइडर के रूप में आपका काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे और बेहद बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी आगे जारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो UPTET नियमावली, इसमें क्या है दोस्तों? NCTE, जिसके बारे में हमने पहले अभी देखा था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऊपर अभी जाना तो था, ठीक है। इसकी अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है, जिसको हम UPTET के नाम से इस परीक्षा को देते हैं। और फिर क्या होता है, जो न्यूनतम योग्यता होती है उसके लिए आप पात्र बन जाते हैं, ठीक है। तो यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाने का काम करता है। परीक्षा आयोजित कराने की UPTET की जिम्मेदारी कौन किसकी होती है? PNP की जिम्मेदारी होती है। UPTET की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की फुल फॉर्म होती है, ठीक है गाइस। इसी के साथ आपका ये टॉपिक, आपका ये सिलेबस समाप्त होता है। और हमने टारगेट रखा था 2 घंटे से पहले कंप्लीट करने का, हम 10 मिनट पहले ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। आपका पूरा सिलेबस इस सब्जेक्ट का, जो कि 50 नंबर का पेपर था, बहुत बड़ी बात थी इतना सब कुछ एक क्लास में कवर करना, लेकिन हमने अपने टारगेट को पूरा किया है। सो अब आपकी बारी है अपना सहयोग निभाने की, जितना हो सके दोस्तों। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी चलिए, आप लोग भी आगे की तैयारी के लिए अभी रेस्ट करिए थोड़ा सा, और फिर से अपनी तैयारी में लगिए। बाकी आपकी सर की क्लासेस अभी लगती रहेगी, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश की लगातार आपकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम तक ऐसे ही कराई जाएगी। अब जैसे ही, क्योंकि इंग्लिश की आपकी एक क्लास और होगी, आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो गया है। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करिए थ्योरेटिकल पोर्शन फिर से एक बार, सर ओरली आपको बता देंगे, हालांकि मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन फिर भी सर एक बार बताएंगे आपको। और आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे इंग्लिश का, जिसमें खूब सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए उन क्वेश्चंस को निर्धारित किया जाएगा। पहले आपको प्रीवियस पेपर को सोल्व कराएंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपको लगवाएंगे, ताकि कहीं से भी कोई चूक ना रहे। और जो हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे
बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, वो टारगेट हम पूरा करने में सफल हो, इसी आशा के साथ कि आप भी इसको सफल बनाएंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार गाइस, आप सभी से फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।